Namo Vidragaya. Namo Vidragaya. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayarhiyanam. Namo Ayarhiyanam. Namo Upasayanam. Namo Upasayanam. Namo Loe Sabba Sahunam. ऐसो पंच नमकारो सब पावप्पनासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र मा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। विद्राग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। आखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छु। जगत भरना संत पुरुषोनु योगबर जगत भरना सत पुरुषोनु योगबर अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योगबर समस्त विश्वनु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो अने कल्याण करवानु निमित बनवाने अम सब महात्माओं ने परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जगत ना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोगो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो
હે શ્રી અંબે માં, હે શ્રી ભદ્રકાળી માં, હમ સબ આપકો અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરકે પ્રાર્થના કરતે હૈ કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયા સે इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मन करने की परम शक्ति दियो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद सर्व साइंटिस्टों को मेरा नमस्कार स्वामी जी नमस्कार जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद धीरे धीरे लोगों के अंदर जिस प्रकार से ये विज्ञान की जो जिज्ञासा बढ़ रही है ऐसा मैं देख रहा हूं और इनकी असर भी अभी और धर्मों के अंदर और धर्म गुरुओं के पास दिख रही है और सभी लोग क्योंकि ये विज्ञान जब कुदरती कानून के ऊपर आधारित है छह तत्वों के ऊपर आधारित है और इसीलिए उनका विरोध करना वो कोई जगह उनके पास कोई स्कोप नहीं है और दूसरी बात ये विज्ञान के अंदर कोई कंपटीशन एंड कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तीसरी बात विज्ञान को कोई डिनाई नहीं करेगा कि ये गलत है। चौथी बात जो विज्ञान आज भौतिक विज्ञान के रूप में प्रचलित है और हम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं उनमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, वो भी पांच तत्वों को स्वीकार करते हैं, हम वो ही पांचों तत्वों को स्वीकार करते हैं, यानी कोई गलत सही का तो प्रश्न है ही नहीं। मगर हम पांच के साथ छठा तत्व जो चेतन तत्व है उनको स्वीकार करते हैं और इसीलिए आध्यात्म बन गया। नहीं तो भौतिक विज्ञान में पांच तत्व तो है ही जो दुनिया के सारे साइंटिस्ट इसको स्वीकार करते हैं और इसीलिए कोई ये कहेगा कि ये विज्ञान सही है कि नहीं है वो तो प्रश्न होएगा ही नहीं। और दूसरी बात पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है वो सृष्टि की रचना के अंदर सभी तत्वों का अपना अपना एक रोल है वो आज हर धर्म के धर्मगुरु भी स्वीकार करते हैं। जैसे जड़ तत्व है, गति सहायक तत्व है, स्थिति सहायक तत्व है, समय तत्व है, स्पेस तत्व है, इसको कौन मना करेगा? और इनके बिना क्या हमारे जीवन की एक भी अवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरी बात कुदरती कानून इतना बड़ा तंत्र पूरे वर्ल्ड आज हमारा घर भी होता है तो उसमें भी छोटे मोटे कानून या नियम रखना पड़ता है कि घर में इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है, ये खाना पीना समय पे आना, सभ्यता से बिहेव करना, ये सब कुछ एक दूसरे से प्रेम से शांति से बात करना, तो ये सब कुछ नीति नियम तो परिवार के अंदर भी होते हैं, राष्ट्र के अंदर भी होते हैं, धर्म के अंदर भी होते हैं, समाज के अंदर भी होते हैं और दुनिया चलाने के लिए दुनिया के अंदर भी नियम होते हैं, कानून जिसको हम यूनो कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत का कानून का मतलब और कुछ नहीं है। जो कानून के आधार से दिन रात होते हैं, ठंडी गर्मी बारिश होती है, भरती ओट होती है और बाकी कुदरत की हर अवस्थाएं होती है, हवा पानी खुराक बनाना वनस्पति बनाना ये उनका काम है। हवा भी वो बनाते हैं, पानी भी वही बनाते हैं और वनस्पति भी वही उगाते हैं और पंच महाभूत जिससे हमारा सबका शरीर बना है वो भी पंच महाभूत कुदरत का ही है और हमारा जो जीवन है जन्म जीवन और मृत्यु जिस कर्म फल के आधार से चलता है वो कर्म फल भी
कुदरत ही देती है, हमको तो मालूम नहीं है कि हमने क्या कर्म किया था, उस कर्म का क्या फल मिलने वाला है और फल किस प्रकार से मिलेगा हमको कुछ नहीं मालूम। मगर कुदरत कानून के मुताबिक आपने जब कॉज किया है तो फल देती है, और फल देने की हर अवस्थाएं भी कुदरत ही पूरी करती है, और कोई मीडिया माध्यम शक्ति इस वर्ल्ड के अंदर, इस विश्व के अंदर नहीं है। तो हम यही विज्ञान की जो बात कर रहे हैं, ये विज्ञान इतना सरल और सहज है, ये विज्ञान के अंदर हम कहेंगे कि ये मन वचन काया जो है, इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मन वचन काया के डिजाइन के साथ इनका हार्ड फॉर्म जो पंच महाभूतों से बना है और हवा पानी खुराक से उनका जीवन चलता है और कर्मों के भुगतान के संयोग और अंत में श्वास बंद करना, ये सब कुछ कंट्रोल कुदरत का है। अब एक कोई बुद्धिशाली व्यक्ति कहेंगे कि नहीं, ये मन वचन काया तो मेरे कंट्रोल में है, मैं काम करता हूं, अपनी मर्जी से सोचता हूं, बोलता हूं, क्रिया करता हूं। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं लोगों को लगता है, अहंकार से कहो या अज्ञानता से कहो ऐसा लगता है। मगर व्यक्ति को यह नहीं मालूम होगा कि हम जब श्वास ही कुदरत देती है हमको, हम क्या कर सकते हैं? अगर कुदरत श्वास बंद करती है फिर हम क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है, सच्ची बात को, सनातन सत्य को, कुदरती कानून को और गंभीरता से समझने की जैसे जैसे कोशिश करोगे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा कि आखिर ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है। और इसीलिए कानून से जो अवस्थाएं बनती है, दिन होता है, रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होता है, बढ़ती ओट होता है, और कर्म फल की जो अवस्थाएं होती है, ये सब कुदरती रचना है। उसमें कुदरती रचना को कुदरती रचना कहना उसमें कोई गलती तो है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी तो कुदरती रचना है। तो ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को नहीं समझना, इसको ही आध्यात्म विज्ञान में अज्ञान कहा गया है। और वही अज्ञान से जन्म मरण है, कर्म बनते हैं और वही कर्म से जन्म मरण होते हैं। अगर मुक्ति पाना है तो वही अज्ञान को नाश करना पड़ेगा, और वो अज्ञान सिर्फ ये दुनिया का सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ लॉ समझ के, ये दुनिया का विज्ञान समझ के ही हम इसको, अज्ञान को मिटा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो यही विज्ञान की ताकत है, यही विज्ञान की शक्ति है, और यही विज्ञान की वास्तविकता है। आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें, और अपने जीवन में या तो अपनी दृष्टि में जो कुछ कंफ्यूजन है, जो कुछ प्रश्न है, और जो कुछ भी हम ये विज्ञान समझने में अभी भी असफल रहे हैं, तो हर प्रश्नों का उत्तर ये विज्ञान के सिद्धांत के रूप में ही आप आए, आपको बताए जाते हैं, आप समझ भी जाते हैं। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। जय सच्चिदानंद। बिंदिशा जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपका जो बुधवार का सत्संग हुआ था उसमें आपने अंतराय के बारे में बहुत ही बढ़िया बताया आपने कि अंतराय शब्द केवल ज्ञान को लागू होता है और अज्ञान को ही नाश करना हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये आपकी कृपा से बहुत अच्छी तरह समझ में आया स्वामी जी। और दूसरा आपने बताया था विराधना, कोई महात्मा ने पूछा था आपको विराधना के बारे में, तो आपने बताया था कि विराधना बोले तो अस्तित्व का स्वीकार न करना, वो विराधना। वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है स्वामी जी आपकी कृपा से। और आपने बताया था स्वामी जी कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, तो भीख और भय क्यों होनी चाहिए? तो कुदरत ने जो हमको ये स्वामी जी मन वचन काया हमारे पुण्य के योग से जो लीज पे दिया है जी, वो कुदरत को ही हम अर्पण करें और पूरी जिंदगी वही तर्पण आपकी कृपा से कर सके, ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं हम स्वामी जी। नहीं नहीं, बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। और आपने जिस प्रकार से इसको एनालिसिस करके एक्सप्लेन किया
इसके लिए धन्यवाद। और स्वामी जी बात सब तो यही है, नहीं स्वामी बराबर है, फिर भी आपने जिस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया इन सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट एंड स्वीट, अच्छी बात है, ताकि आप इसको गौर तरह से समझ पाए लोगों को, क्योंकि विज्ञान बहुत संक्षिप्त है। हाँ, समझाने के लिए उनको डिटेल में बताना पड़ता है, जहां तक वो सही नहीं समझ पाते हैं वो एग्जाम्पल भी देना पड़ता है, तो ये बात सही है। मगर जो लोग आसानी से विज्ञान को शॉर्ट एंड स्वीट में समझ जाते हैं, तो उनको सब मालूम हो जाता है कि आखिर उसका सेंटर पॉइंट क्या है। और यही है, बाकी आप किताबों में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी मेथड है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए जब आपकी विज्ञान दृष्टि हो जाती है, तो आपका एग्जाम्पल भी और प्रेजेंटेशन भी इतना शॉर्ट एंड स्वीट हो जाता है, जिससे लोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है। और यह विज्ञान नहीं समझ में आएगा तो ये बातों को समझना इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि फिर आदमी समझ 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 के फिर छोड़ देता है कि चलो भी जो है वो सही है, मगर जीवन के अंत तक वो विज्ञान के रूप में कोई भी अवस्था को या कोई भी संयोग को या कोई भी ज्ञान को वो समझ नहीं पाता है। मगर विज्ञान होने के नाते और सिद्धांत के आधार पर होने के नाते सबको ये आसानी समझ में आ जाता है। और ये विज्ञान के अंदर सिंपल बात है कि भी हमने अज्ञान कौन सा है, सनातन सत्य नहीं जाना वो ही अज्ञान है। तो फिर हम राम कृष्ण मायूर को माने या न माने, कोई धार्मिक क्रिया करे या ना करे, पूजा पाठ करे या ना करे, मगर उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? जब इससे हमारी मुक्ति रुकी नहीं है तो इसको फिर पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? ये तो पाप पुण्य के लिए है, आपको करना है तो करो, और कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य होगा, और कोई गलती करोगे कर्ता भाव से तो पाप होगा। मगर ये पाप पुण्य की बात है, ये मुक्ति की तो बात नहीं है। बराबर। तो कहने का मतलब सिंपल बात है, फॉर्मेट से मुक्ति से कोई कंसर्न नहीं है, सनातन सत्य नहीं जानना वो अज्ञान से आपकी मुक्ति या आपका शाश्वत सुख रुका हुआ है। कोई धार्मिक क्रिया से, कोई धर्म को मानने न मानने से, या कोई अशुभ या शुभ क्रिया करने न करने से आपकी मुक्ति रुकी हुई नहीं है। हाँ स्वामी जी, आपकी कृपा से ना स्वामी जी कुदरती रचना सरलता से समझ में आ रही है स्वामी जी। बहुत अच्छा। और आपने स्वामी जी जो बताया ना सर, स्वामी जी आपने बताया था कि मोक्ष तो सरल सुगम और सहज है, तो आपकी कृपा से एकदम सहज हो गया है स्वामी जी। और आपने एक बार बताया था, आपने इतना सरल सुगम बना दिया ना स्वामी जी कि जिज्ञासु व्यक्ति दो सत्संग सुनेगा ना तो भी सरलता से समझ जाएगा स्वामी जी, इतना आपने सरल और सुगम बना दिया है उसको। लेकिन आपने एक बार कहा था स्वामी जी कि जितना बार बार सुनेंगे आपका रिविजन होगा, तो वो इसलिए हमको बहुत आनंद आता है स्वामी जी आपका सत्संग सुनते हैं हम समझ। रिविजन भी होगा, रिफ्रेश भी होगा। हाँ। और मॉरल सपोर्ट मिलेगा, मॉरल भी सपोर्ट होगा, जो भी जाना है उसको इसको यूज करने के लिए सपोर्ट चाहिए। हाँ। नहीं तो फिर क्या होगा, वो ज्ञान इनएक्टिव मोड में आ जाएगा, भी मैं जानता हूँ। हाँ, मगर पुरुषार्थ के रूप में, जागृति के रूप में, उपयोग के रूप में नहीं रहेगा, नॉलेज के रूप में रहेगा। बहुत सारी बातें हमको मालूम है कि हमको बहुत सारी बातें मालूम है, योगा करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, उनके क्या क्या फायदा है सब कुछ मालूम है, मगर होता कुछ नहीं है हमको, सिर्फ नॉलेज ही होता है हमारे पास। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि नॉलेज इज अ गुड, बट जो नॉलेज हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में काम में नहीं आता है, वो नॉलेज शुष्क ज्ञान है, शुष्क यानी इफेक्टलेस है। बराबर। वो ज्ञान से कोई बेनिफिट नहीं है, वो ज्ञान हमारे सर के ऊपर वेट करता है, लोडेड हो जाता है, क्योंकि ज्ञान जानते हैं मगर अप्लाई नहीं कर सकते, वही तो बोझ है। बराबर। तो इसीलिए ये विज्ञान के अंदर ऐसा है, क्योंकि यहाँ तो दृष्टि का ही उपयोग करना है, तो इसीलिए कोई क्रिया की तो बात है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बताया है, अपना श्रीमद राजचंद्र जी ने भी बताया है, जो बड़े महान, दो महान ज्ञानी पुरुष हो गए, मगर उन्होंने बताया हुआ मार्ग जिस प्रकार से प्रेजेंट हुआ, तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर लोग ये मार्ग को आसानी से समझ नहीं पाए। और इसीलिए ये मार्ग जो सहज सरल और सुगम था, वो सरल सहज और सुगम नहीं रहा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान में क्या हुआ, उन्होंने विज्ञान तो दिया,
अध्यात्म विज्ञान के बदौलत उन्होंने अक्रम विज्ञान टाइटल बनाया और अक्रम विज्ञान दिया, वास्तव में वो विज्ञान ही था, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जब विज्ञान के साथ जब फॉर्मेट दे दिया तो विज्ञान विज्ञान के रूप में नहीं रहा। बराबर। फिर लोगों को मालूम नहीं आया कि मेरे को विज्ञान समझना है या फॉर्मेट को फॉलो करना है, क्योंकि दोनों को प्रसाद बताया। सो पीपल दे आर इन कंफ्यूजन। नाउ यू अंडरस्टैंड? यस यस। और श्रीमद राजचंद्र में भी ऐसा हुआ, हालांकि वो अनुभव के बहुत हाइट पर थे। श्रीमद राजचंद्र जी इस कलयुग के अंदर अनुभव के बहुत ऊंचाई पर थे, मगर जब उन्होंने की प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन के अंदर इतना सरल प्रेजेंटेशन नहीं हुआ जो आम इंसान इनको आसानी से समझ पाए। उनका लेवल बहुत हाई था और इसीलिए उनके प्रेजेंटेशन में सैद्धांतिक कोई कमी थी वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सैद्धांतिक कमी नहीं थी, मगर आम लोग नहीं समझ सके, मतलब उनकी भाषा ऐसी सरल नहीं थी कि आम लोग वास्तव में इस मुक्ति के मार्ग को आसानी से समझ सके, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। और इसीलिए उनकी हाई लेवल की बात भी, हाई लेवल की होते हुए भी लोग इसको आसानी से अप्लाई नहीं कर सके, और वही लोगों को, वही उनके भी फॉलोअर्स जो है वो भी आज फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानते हैं। लेकिन विज्ञान समझ में नहीं आया, मेरा कहने का मतलब विज्ञान समझ में नहीं आया। स्वामी जी ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी आपकी कृपा से बहुत सरल और सहज हमारे लिए हो गई है स्वामी जी। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से आपको ये सरल सहज विज्ञान जो मिला है आपके ही पुण्य से मिला है, तो मैं समझता हूं आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम ये विज्ञान को हजारों लाखों लोगों तक कैसे पहुंचे, उसके लिए जो कुछ भी प्रयास करना पड़े, तन से मन से धन से जो भी प्रयास करना पड़े वो करते रहो और विज्ञान को शेयर करते रहो, अपनी जबान से कहो, अपने व्यवहार से कहो, या और कोई मीडिया के माध्यम से कहो, लोगों को पहुंचाओ। लोग बहुत तड़प रहे हैं, लोगों के पास कोई सच्चा रास्ता नहीं है, मगर और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, जो है उसको ही फॉलो कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, मगर और कोई रास्ता नहीं है। तो आप लोग जैसे लोगों को ये विज्ञान पहुंचाएंगे तो उनको कम से कम सही रास्ता तो जानने को मिलेगा, और इसीलिए आप सबसे जो कुछ भी हो सके वो करो, बस मैं कहना चाहता हूँ। चौकस चौकस स्वामी जी, आपने आपने बोला हुआ है ना स्वामी जी कि विज्ञान को शेयर करना है, सेल नहीं करना है। सेल नहीं करना है, we cannot sell to our universal science। ये स्वामी जी आपका जो वर्ड है ना शेयर और सेल, वो हृदयस्थ हो गया है स्वामी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक भाई ने मेरे को बहुत साल, आज से करीब 10-12 साल पहले उन्होंने कहा था कि स्वामी जी बहुत सारे धर्मगुरु भी कहते हैं कि आप ये धर्म को तन मन धन से आप इसको अप्लाई करो, और आपने भी बोला कि तन मन धन से अप्लाई करो, तो स्वामी जी धन तो हमारे पास इतना नहीं है तो क्या करेंगे। मैंने बोला भी आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, ना श्वास आपका है, ना पानी आपका है, ना खुराक आपका है, ना शरीर आपका है, कुछ आपका है ही नहीं, मगर आपकी भावना अगर है देने की तो आप कुछ कर सकते हैं। बराबर। पानी अपना, पानी का जीव अपना सब कुछ गवा देता है तभी आप पानी पी सकते हैं, वायु का जीव अपना जीवन समाप्त करता है तभी आप श्वास ले सकते हैं, वनस्पति का जीव अपना जीवन समाप्त करते तभी आपका जीवन चलता है। या सुनो, ऐसे हमारा जीवन भी लोगों के लिए होना चाहिए, जो कुछ भी कर सकते हैं। बराबर। इसमें कोई, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको अपना नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब करके करना है, नहीं, नॉर्मल लाइफ के साथ ही एक भाव व्यक्त करना है कि कैसे भी मैं लोगों को ये विज्ञान बांटू, मन वचन ताकि वो भी आगे बढ़े, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। समाज लोकार्पण, लोक ने अर्थ है लोगों के भाव उन्नति में कुछ हम काम आ सके, ऐसी भावना कर सकते हैं। और स्वामी जी आपने बोला था ना कि जितना मन वचन काया का वैल्यू जीरो होगा उतना हमारे आत्मा का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो जीरो होगा। तो स्वामी जी एक खाली आप थोड़ा सा जरा प्रकाश डालिए ना, इंद्रिय ज्ञान से अतिंद्रिय आनंद तक, इंद्रिय बताओ। पहली बात ये कि अपना मन वचन का है कि वैल्यू इसलिए जीरो है क्योंकि है ही कुदरत का। हाँ, कुदरत का है, हमारा तो है नहीं, नहीं। हम खाली मेरा 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 बोलते है तो नहीं। हाँ। और जब शरीर मेरा नहीं है
तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ साधन संपत्ति सत्ता और संबंध कैसे हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब बॉडी हमारी नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज हमारी हो नहीं सकती है। नहीं। दूसरी बात, ये तो हमारा नहीं है मगर हम दुनिया के अंदर कोई भी चीज सिद्धि के रूप में पाते हैं, शक्ति के रूप में पाते हैं। क्या वो शक्ति हमारी है? नहीं। अगर मैंने उड़ने की शक्ति प्राप्त कर लिया, क्या वो मेरी शक्ति है? कुदरत की शक्ति है। अगर मैंने आंखें बंद करके ब्रह्मांड को देखने की शक्ति प्राप्त कर लिया, क्या वो मेरी शक्ति है? ब्रह्मांड तो है ही। कोई मैंने सिद्धि प्राप्त कर लिया मंत्र जाप करके, तो क्या वो सिद्धि मेरी है? कुदरत की है। मैंने साधना से रिसीव किया है मगर है तो कुदरत की। तो फिर मेरा कुछ नहीं है, तो जो कुदरत का है इसको कुदरत को समर्पित करना है, क्योंकि नहीं करोगे तो भी कुदरत के पास रहेगा। जब तो ना करना वो तो आपकी अज्ञानता है, और करने का मतलब होता है आपकी सही सोच है, क्योंकि कुदरत का है। जैसे हम व्यवहार में भी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, ये मेरा तो है ही नहीं, वैसे भी कुदरत का है। और इसीलिए हमारे लिए उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, दृष्टि की बात करता हूँ, जीरो का मतलब होता है टाइट नो टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड डूअरशिप। ना हम इसके मालिक है और ना हमारे पास उसको चलाने की शक्ति। तो फिर उसका मेरा करने से क्या फायदा? हाँ, मेरी जो शक्ति है, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मगर इसकी अनुभूति करने के लिए ये विनाशी शक्तियों की वैल्यू जब मेरी दृष्टि में जीरो होगी, तभी तो मेरे को मेरी शक्ति की अनुभूति होगी। अगर आप संसार की शक्ति को भी वैल्यू मानेंगे, आत्मा की वैल्यू मानेंगे, तो आपको कभी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। सही सही बात है। तो इसीलिए हमने कहा है कि आपकी दृष्टि में रिलेटिव सत्य की जो कुछ भी दृष्टि है, जो कुछ भी शक्तियां है, वो कि उसकी वैल्यू आपको जीरो आपकी दृष्टि में करनी पड़ेगी, तभी आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी और धीरे धीरे आप आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब संसार की वैल्यू आपकी दृष्टि में जीरो हो गई, तो वो पाने के लिए तो आप कोई प्रयास करोगे नहीं, और अगर कोई संजोग मिलता है और चला जाता है तो भी राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जीरो है, तो जीरो वैल्यू के लिए राग द्वेष नहीं होता है। बराबर। तो इसीलिए आप संसार की वैल्यू, मन वचन काया की अवस्था की वैल्यू, संजोगों की वैल्यू, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता की वैल्यू जब आपकी दृष्टि में जीरो कर देंगे, तो फिर राग द्वेष होने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। और आत्मा की वैल्यू बढ़ाएंगे, इतना आपको आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मा की वैल्यू आपकी दृष्टि में बढ़ेगी। यही तो मुक्ति का मार्ग है। बराबर। तो ये सिंपल है, दुनिया की वैल्यू जीरो करेंगे, रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो करेंगे, तभी ही तो सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। नहीं तो समझ में आना पॉसिबल नहीं है। बराबर। आज पूरे विश्व को राम कृष्ण महावीर जैसे व्यक्तियों को भगवान मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सनातन सत्य नहीं जानते हैं। अगर वो जानते तो ऐसा नहीं बोलते। बराबर। आप समझे, वो नहीं जानते हैं तभी तो बोलते हैं। बराबर। तो इसीलिए कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, ये व्यक्ति को भगवान मानना, राम कृष्ण महावीर कहो, क्राइस्ट कहो, पैगंबर कहो, या और बहुत सारे भगवान हैं विश्व के अंदर अलग अलग नाम से, तो दुनिया तो 90% लोग कहो या 95% लोग कहो, इनको तो भगवान लोग मानते हैं। 90% लोग तो भगवान मानते हैं व्यक्ति के रूप में, और आप इनको मना क्यों करते हैं? क्योंकि इतने सारे लोग मानते हैं, भारतवर्ष में भी मानते हैं, जो डेवलप कंट्री बोला जाता है आध्यात्म के अंदर, और विदेशों में भी मानते हैं लोग व्यक्ति के रूप में भगवान, तो आप इसको मना क्यों करते हैं, या आप इसको क्यों नहीं मानते हैं? तो मैंने कहा, देखो इसमें मेरा मानना न मानने से कोई फर्क नहीं होता है, मगर मेरा काम ये दुनिया का सनातन सत्य बताना है, सांप्रदायिक सत्य, रिलेटिव सत्य या व्यू पॉइंट बताना वो मेरा मकसद नहीं है। और इतने सारे लोग मानते हैं, मैं समझता हूँ अच्छी बात है, इतने लोग मानते हैं, कम से कम व्यक्ति को ही भगवान तो मानते हैं, और भगवान का डर रहेगा तो पाप भी नहीं करेगा, अच्छी बात है, मगर ये सनातन सत्य नहीं है। तो बोला कि इतने लोग मानते हैं तो आप क्यों इसको, 90% लोग भी अगर मानते हैं
तो क्यों आप इसको सही नहीं बताते हैं? मैंने बोला उसमें क्या सही गलत की बात है, जब आप दुनिया में जाओगे और आप व्यवहार में देखोगे तो बाल मंदिर में संख्या कितनी है, मानो के बाल मंदिर में 1000 बच्चे हैं, उसमें से पीएचडी में कितने जाएंगे, 1, 2, 3 और 4 हार्डली, जो 1% भी नहीं होगा। तो सिंपल बात है कि जितना लोअर स्टैंडर्ड वहां संख्या ज्यादा होगी, जितना हायर स्टैंडर्ड वहां संख्या कम होगी, वो तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए इसको मैं गलत नहीं कहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग व्यक्ति को भगवान मानते हैं वो धार्मिक या रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है, वो मैं कहता हूं। मैं गलत तो कहता नहीं उसको नहीं। तो फिर तो इसीलिए मेजोरिटी लोग उनको ही मानेंगे, क्योंकि उसका जब डेवलपमेंट नहीं है, जब सोच सही नहीं है, और धर्मगुरु भी यही बयान कर रहे हैं बार बार कि आप इनको ही भगवान मानो, पूजा करो, आरती करो, तो आम जनता तो उसी को तो फॉलो करेगी। और इसीलिए अभी कलयुग के अंदर और कोई रास्ता आम जनता के लिए नहीं है, मगर ये विज्ञान, जो आध्यात्म विज्ञान, विज्ञान के रूप में, सनातन सत्य के रूप में, कुदरती कानून के रूप में जो खुला हुआ है, वो मैं समझता हूँ हजारों लाखों और करोड़ों लोगों के लिए ये संजीवनी साबित होगा इन फ्यूचर। बस यही मेरी सोच है, यही मेरी भावना है। बराबर है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। खूब खूब आभार स्वामी जी, अपना चरण में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी मारा बे प्रश्न है, सॉरी मेरा दो प्रश्न है आज हिंदी का है। बोलो स्वामी जी। एक तो अपना दिस विवाह के लिए, और दूसरा है स्वामी जी अपना परमाणु का दिस स्पर्श रस गंध उसके लिए है। नहीं, अलग अलग कीजिए, पहले एक पहला प्रश्न नंबर एक कीजिए, उसका उत्तर लीजिए, फिर सेकंड कीजिए। हाँ नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ मैं स्वामी जी, मेरा दो प्रश्न है। हाँ तो स्वामी जी, दिस अपना जो है, एक तो अपना दिस उसमें अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है विभाविक दशा माने क्या। तो स्वामी जी आप जो है विभाविक दशा, हम लोग पहले जो बात किया कि जब भी चेतन और जड़ के सामीप्य भाव से जो विशेष परिणाम खड़ा हुआ उसको हम लोग विभाविक दशा बोलते हैं, राइट स्वामी जी? तो स्वामी जी वो ये अर्थ अपना एक तो बराबर है स्वामी जी, जब ही से वो हुआ तब से, तो स्वामी जी उसकी हम लोग शुरुआत जो है उसमें दो चीजें शुरू है हुई है वो विभाविक दशा, वो एक क्वेश्चन है। और ये उसके हम क्या क्वेश्चन है, विभाविक दशा की शुरुआत कब से शुरू हुई, वो एक प्रश्न है। ओके, वो प्रश्न है, उसके बाद में उसके आपका जो रहेगा उसके बाद में अपने सब स्वामी जी काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा डिस्कशन के रूप में रहेगा शायद, इसलिए मैं अपना दिस ये कहना चाहूंगा। ओके ओके, विभाविक अवस्था तो मनुष्य में आने के बाद ही शुरू होती है। एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय विभाविक अवस्था इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है। जहां पुरुषार्थ नहीं है, जिस देवलोक में पुरुषार्थ नहीं है तो विभाविक नहीं बोलते हैं, नर्क लोक में पुरुषार्थ नहीं है विभाविक नहीं बोलेंगे, पशु योनि में पुरुषार्थ नहीं है विभाविक नहीं बोलेंगे। विभाविक इसको बोलेंगे जहां पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ होते हैं वो गलत पुरुषार्थ करता है, वहां इसको स्वाभाविक या विभाविक शब्द प्रयोग हो सकता है, और कोई जगह विभाविक शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो विभाविक शब्द प्रयोग मनुष्य भव के अंदर, जब मनुष्य भव में आते हैं फर्स्ट टाइम, तब से उनकी विभाविक अवस्था शुरू होती है। बराबर है। विभाविक अवस्था का मतलब होता है आत्मा होते हुए भी और उसके पास बुद्धि होते हुए भी अपने स्वस्वरूप को नहीं जानना, नहीं मानना, नहीं स्वीकार करना, नहीं अनुभव करना, वही उनकी विभाविक अवस्था है। तो विभाविक अवस्था है, सही उसका जीवन जन्म मरण कर्म कर्मफल चलता रहता है। ओ स्वामी जी आपके वो बराबर वो एंगल से अपना जे, लेकिन स्वामी जी अभी दिस मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अपना जिस जब भी ये चेतन और जड़ स्वामी जी अपना जब भी वो सामीप्य कब से हुआ स्वामी जी, मुझे निगोद से आए
तो एट द मोस्ट एक इंद्रिय में वो टाइम पे चेतन और जड़ वो सामीप्य भाव स्वामी जी वहां से आए ऐसा दिस ऐसा वो तो वही टाइम पे अपना जो दोनों सामीप्य भाव से हुआ तो वही टाइम पे अपना दिस ये विभाविक दशा जो बोलता है या विभाव परिणाम उसको विशेष परिणाम जो बोलते हैं तो स्वामी जी वहां से अपना बोला नहीं जाएगा तो पुरुषार्थ ही नहीं है ना नहीं नहीं पुरुषार्थ नहीं है लेकिन नहीं है तो फिर उसको स्वाभाविक कहो विभाविक कहो क्या फर्क होता है नहीं 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 फर्क नहीं स्वामी लेकिन हम लोग एक सिद्धांत की बात करते हैं कि हम लोग जब भी चेतन और जड़ एक इंद्रिय में जीव में सब चेतन और जड़ साथ में तो आ गए स्वामी जी तो उसको अपना विभव उसको विशेष परिणाम क्यों नहीं बोल सकते वो अपना दिस कन्फ्यूजन होते रहता है चेतन जड़ जो आता है उसको विभाविक परिणाम नहीं बोला जाता है वो तो आपको चेतन तो आपको चेतन तो रहेगा केवल ज्ञान तक रहेगा मोक्ष तक रहेगा वो परमानेंट है और जड़ आपको मिला है वो डेवलपमेंट के आधार से मिलता है एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय वो कुदरती डेवलपमेंट है उसमें क्या करेंगे एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय में जाएंगे पांच इंद्रिय में नहीं आएंगे वो नहीं वो तो ये प्रक्रिया ही है उसकी उसको ही कहते हैं कि कुदरती रचना इसको बोलते हैं कि कुदरती नेचुरल डेवलपमेंट है उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है पुरुषार्थ की और पुरुषार्थ नहीं होता है तो फिर उसको स्वाभाविक या विभाविक कहने का मतलब भी नहीं है ना जब वहां पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है ही नहीं तो स्वाभाविक कहेंगे या विभाविक कहेंगे कोई मतलब भी नहीं है नहीं वो मतलब नहीं है लेकिन स्वामी जी सिद्धांत के अभी जब हम लोग जो एक व्याख्या देते हैं कि स्वामी जब भी चढ़ और चेतन साथ में आता है उसको विभाविक अवस्था बोलते हैं तो स्वामी जी जब भी वो साथ में पुरुषार्थ वो उसका मतलब नहीं है वो बात अलग है स्वामी वो दूसरा पॉइंट हो जाता है लेकिन जब भी वो दोनों साथ में आया तभी वो विभाव जैसा उसका उत्पन्न होती है वो तो अपना एक डेफिनेशन के हिसाब से वो हो जाता है तो हम लोग क्यों इसलिए मेरा अपना ये वहां पे भी वो स्वीकार नहीं होता है स्वामी जब भी दोनों सभी साथ में आया है तो उसको विशेष अपना जो विभाविक दर्शन है अपना उसको विशेष परिणाम स्वामी जी जो दादा ने उसको विशेष परिणाम बोला है श्रीमद ने भी उसको विशेष परिणाम बोला है स्वामी जी उसमें लिखा है ऐसा कि एक इंद्रिय शुरू होता है ऐसा लिखा है 19 कौन सा नहीं नहीं श्रीमद राजचंद्र और दादा भगवान दोनों में से कोई भी जगह पे लिखा है कि विशेष परिणाम एक इंद्रिय से शुरू होता है ऐसा लिखा है वो एक इंद्रिय से शुरू होगा ऐसा लिखा नहीं है स्वामी जी ऐसा वो मेरे और आपका प्रश्न इसके ऊपर है आपका प्रश्न इसके ऊपर है नहीं वो बरोबर है लेकिन अपना स्वामी जी अपना ये इसकी बात वो दोनों ने ये दोनों में किसी ने नहीं कहा है कि एक इंद्रिय शुरू होता है और प्रश्न आपका इसके ऊपर है दोनों ने भी नहीं कहा है मैं भी नहीं कहता हूँ कि एक इंद्रिय जैसा है और विभाविक परिणाम की व्याख्या जो उन्होंने दिया है अपने हिसाब से मैं भी देता हूँ अपने हिसाब से वो भी मनुष्य के बाद होती है दादा भगवान ने भी ये कहा है मनुष्य के बाद होती है स्वामी जी अपना उसमें दो है जब भी वो स्वामी जी अपना जिस आप बोल रहे हैं कि ये विभाविक अवस्था मात्र अहंकार या अज्ञान का है दादा ने बोला है विभाविक अवस्था दोनों का चेतन का भी होता है और इसका पुद्गल का भी होता है तो जहाँ पे पुद्गल के लिए विभाविक अवस्था का स्वामी जी उसने दादा ने बोला है जब भी वो मास जिस लोई परु वो जब भी वो होता है वो पुद्गल का भी अपना जिस वो उसका भी विभाविक अवस्था है तो स्वामी जी दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौथी इंद्रिय उसमें लोई परु मास वहां पे होता ही है तो वहां पे भी उसकी चलो एक इंद्रिय से लेकिन दो इंद्रिय से तो डेफिनेटली शुरू होता है तो क्या मतलब नहीं नहीं तो नहीं बोला मयूर से बहुत से सूर नहीं दो इंद्रिय से शुरू होता है वैसा दादा ने बताया समझिए नहीं मैं क्या कहता हूं कि आपने लोही परु की सब बात किया वो तो प्रकृति की बात है ना पुद्गल की शरीर की बात नहीं, है नहीं, नहीं नहीं दादा ने बताया स्वामी जी मैंने नहीं बताया नहीं मैं क्या कहता हूँ वो शरीर की बात है ना नहीं शरीर की बात नहीं लेकिन उसको बोला मैंने पुद्गल की अवस्था की बात की है स्वामी जी ये जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर है इस प्रकार से देवलोक का शरीर है इस प्रकार से पशु योनि का शरीर है और इस प्रकार से नर गति का शरीर है और शरीर के आधार से उनकी प्रकृति इस प्रकार से बनी हुई है फिजिकली उसमें तत्व की बात कहाँ आई
तत्व की नहीं है स्वामी जी, अपना जो दादा ने बताया ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्वामी जी। दादा ने बताया जब भी ये पुद्गलता कभी विभाविक अवस्था किसको बोलते हैं स्वामी जी? दो पर आपको आपको मेरा कहने का मतलब दादा ने जो बताया आपको क्या प्रूफ क्या करना है आप बताइए। नहीं प्रूफ नहीं स्वामी जी, विभाविक अवस्था स्वामी जी अपना दिस ये अपना दो इंद्र चलो वो उसके लिए अभी को नहीं, लेकिन दो इंद्रिय से तो शुरुआत होती है स्वामी जी विभाविक, क्योंकि अपना खाली मात्र अहंकार अपना इसके लिए नहीं, अपना जो विशेष परिणाम अहंकार की जो बात करते अज्ञान है उसके लिए नहीं स्वामी जी। दूसरा ये अहंकार का भी है और अपना पुद्गल का, दोनों की विभव अवस्था बताइए दादा ने। नहीं पुद्गल पुद्गल की विभव अवस्था या अहंकार की विभव अवस्था जो भी कहो, मगर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं प्रूव नहीं सकता विज्ञान में कहा क्या प्रूव करते हो आप? नहीं शुरुआत कहाँ से हुई स्वामी जी? आपने बोला मनुष्य भाव से, लेकिन स्वामी दादा ने बोल रहे कि दो इंद्रिय से तो डेफिनेटली शुरुआत हो गई। दादा ने ऐसा कहा है कि दो इंद्रिय शुरू होता है? यस 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 स्वामी जी, और वहां से भी कर्म बंद होते हैं? कर्म बंद की बात नहीं है स्वामी जी, अपना जो विभाविक अवस्था की बात है, कर्म बंद हुआ वो हुआ बात नहीं है स्वामी जी। विभाविक विभाविक अवस्था का मतलब होता है स्वाभाविक नहीं है, और विभाविक अवस्था से पुरुषार्थ बना जाता है जिससे संसार बना। समी ऐसा 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 डेफिनेशन दादा ने दे दिया विभाविक अवस्था, उसको विशेष परिणाम बोला है स्वामी जी, उसको विभाविक अवस्था उसको विशेष परिणाम बोला है, उसने विभाविक अवस्था विशेष परिणाम के अर्थ में लिया है दादा ने। नहीं जो भी अर्थ में लिया है मैंने कहा है विभाविक अवस्था बोलेंगे तो फिर वहां पुरुषार्थ शुरू हो गया, कर्म बंध शुरू हो गया। नहीं स्वामी जी वो लेकिन दादा ऐसा बोल रहे हैं, आपके आपको आपकी समझ वो हिसाब से दादा की समझ इसके, इसलिए वहां पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी, इसलिए मैं आपको कोई बात नहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप विशेष तरह इसको समझने की कोशिश करना, मुद्दे लेकर आना और मेरे को फोन से बात करना, कोई बात नहीं, यहाँ इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात को किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं स्वामी जी ये बात के अंदर किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि न कोई आपका पुत्र करता है, न कोई आपका कोई भी आपका पुत्र नहीं करेगा ये बात जो आपने कहा ना कि स्वामी जी, लेकिन कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, दादा भगवान के आपका पुत्र भी नहीं करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, किसी को पूछोगे तो उत्तर भी नहीं देंगे। लेकिन मैं दादा भगवान के आपका पुत्र की बात करता हूँ, जो दादा भगवान की ही बात करते वो भी नहीं करेंगे। नहीं बराबर है, लेकिन स्वामी जी इसमें सिद्धांत की बात आती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बात का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना डिस्कशन क्यों? Why? ठीक है स्वामी जी, अपना दूसरा अपना बिल्कुल जरूर नहीं है, आपको व्यक्तिगत प्रश्न है, ये प्रश्न से किसी को कोई फायदा नहीं है, आपको व्यक्तिगत प्रश्न है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है स्वामी जी, अपना ये स्वामी जी सिद्धांत की बात है, कब नहीं वो विभाविक अवस्था की अवस्था शुरुआत कब से शुरू हुई? अभी दूसरा एक प्रश्न रहता है स्वामी जी अपना इसमें, विभाविक अवस्था खाली अहंकार को बोलते हैं, पुद्गल के जो है उसको नहीं बोलते हैं स्वामी जी? विभाविक अवस्था अहंकार को ही बोलते हैं, विभाविक अवस्था नहीं बोलते हैं किसको? पुद्गल जो पुद्गल का जो विशेष परिणाम खत्म हुआ उसको विशेष उसको अपना ये विशेष परिणाम नहीं बोलते हैं स्वामी जी? पुद्गल मतलब क्या? पुद्गल माने वही अपना परमाणु, तो परमाणु तो शुद्ध है, इसको विशेष परिणाम कैसे बोलेंगे? विशेष नहीं स्वामी जी, वहां पे वो वापस वो आ गया विशेष परिणाम, अपना हम लोग बोलते हैं स्वामी जी खाली अहंकार को विशेष परिणाम बोलता है या विभाविक परिणाम बोलता है, लेकिन दादा बोल रहे हैं अपना इसका भी परिणाम है, अपना जिस पुद्गल का भी विशेष परिणाम है, अपना मांस मरु वो भी अपना वो बोलते हैं, तो उसमें क्या समझने का आप मुझे बताएंगे स्वामी जी? कोई कोई मैंने कहा ना कोई बात नहीं, तो इस प्रश्न को छोड़ दो ने, दादा भगवान ने खुद ने भी कहा है कि आपको मेरे 10 में से 7 प्रश्न समझ में आता है तो लाभ लो, 3 को पेंडिंग रखो, वो दादा भगवान ने भी बहुत बार कहा है। यस के नो, पहले हाँ के ना बोलो पहले। हाँ ये अपने साथ अपना दिस बोला होगा स्वामी जी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बोला होगा। नहीं मैं जो कहता हूँ कि दादा भगवान ने ऐसा हजारों बार कहा है कि मेरे 10 में से 7 प्रश्न समझ में आए तो लाभ लो, 3 प्रश्न बाद में समझ में आएंगे, इसमें इतना लंबा करने की जरूरत क्या है? दादा भगवान ने कहा है तो कहा है, मैं कहा गलत कहता हूँ? मैंने पहले भी कहा कि
मैं जो बात करता हूँ मेरे दर्शन में जो चीज आती है देखती है समझ में आती है वो एक्सप्लेन करता हूँ। और दादा भगवान की बहुत सी बातें मैंने कहा है भूतकाल में कि ये बातें रिलेटिव सत्य है सनातन सत्य नहीं है, वो मैंने बहुत बार बोला है। तब मैंने ऐसा नहीं कहा कि दादा भगवान की बातें इसीलिए 100% सही है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। तो स्वामी जी इसको रिलेटिव पकड़े। और आप दादा भगवान की बात जब भी करोगे कोई आप तक के साथ तो यही कहेंगे कि दादा भगवान की बात 100% अक्षरशः सही है, उसमें कानो मात्र परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको सुनने को मिलेगा। नहीं बराबर स्वामी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अगर उनकी बात 100% सुनोगे तो आप कंफ्यूजन होगा, वो भी 100% बात है। नहीं लेकिन स्वामी जी ये जो बात है ये अपना दिस ये या तो देखो स्वामी जी अगर वो रिलेटिव की बात है तो बात अलग है, ठीक है चलो आप बोलते हैं रिलेटिव है तो ठीक है अपना स्वामी वो पकड़ के हम लोग चलते हैं फिर। नहीं मैं क्या कहता हूँ ये प्रश्न छोड़ दो, दूसरा प्रश्न करो। ओके स्वामी जी, दूसरा अपना लास्ट संडे को ये हुआ था कि परमाणु में अपना जिस परमाणु में जो सिंगल जो परमाणु शुद्ध परमाणु में रस गंध स्पर्श और वर्ण वो गुण धर्म वो गुण नहीं है स्वामी जी, वो अवस्था में वो रहता है वो स्वामी जी वो प्रॉप ये अपना वो सही है स्वामी जी, वो हिसाब से बात हुआ था अपना रूप रस गंध स्पर्श एक परमाणु में होता एक परमाणु में नहीं होता, लेकिन जब भी उसकी अवस्था होती है तभी उसका वो होता है वो तभी तो रूप बोलेंगे, एक परमाणु तो हम देख भी नहीं सकते कैसे इसको रूप बोलेंगे, रस कैसे बोलेंगे, गंध कैसे बोलेंगे, स्पर्श कैसे बोलेंगे, उनकी अवस्था होती है तभी होती है। स्वामी जी मैं अभी उसके ऊपर चिंतन किया ना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मान लो अपने 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ की वैल्यू जब ये होती है स्वामी एक एक रुपया एक एक पैसा करके होती है, एक एक पैसा करके अपना जो अपना 1 करोड़ की वैल्यू होता है, मान लो एक एक पैसा हम लोग अलग अलग कर दिए किसी को भी हमने वैल्यू नहीं करेंगे तो 1 करोड़ की वैल्यू भी नहीं रहेगी, तो मतलब एक जब साथ में आएगा तभी एक एक परमाणु में अगर रस गंध स्पर्श वर्ण रहेगा तो ही उसमें अवस्था में आएगा, नहीं तो फिर उसमें आ नहीं सकता है स्वामी, ऐसा दिस मेरा लॉजिक बोलता है ऐसा। नहीं बराबर है, मगर कोई एक एलिमेंट्स की बात करोगे तो रूप रस गंध और स्पर्श है वो जब उसकी अवस्था होती है कहीं परमाणु इकट्ठे होते बाद में वो रूप रस गंध और स्पर्श में कन्वर्ट होते हैं, जैसे मैं आम खाता हूं तो हजारों परमाणुओं से वो बना हुआ है, ठीक है एक परमाणु से आम का स्वाद नहीं आएगा। नहीं बराबर सबके साथ में हम आकार भी नहीं दिखेंगे, रंग भी नहीं दिखेंगे, रूप भी नहीं दिखेगा, वो समय बराबर है, वो समय जी बराबर है, लेकिन एक एक करके सब होता है ना, इसलिए समझिए अपना ये एक टासनी है, टासनी का टोप में पार्ट हजार परमाणु लाखों परमाणु है, अगर उसमें एक एक में है इसलिए अपना सब साथ में आता है स्वामी जी। अभी मान लो ये अपना एक शुगर भी देखिए, शुगर में एक एक दाना में अपना उसने अपना स्वीटनेस है इसलिए पूरा साथ में खाते है तभी उसको स्वीटनेस लगती है स्वामी जी, एक एक दाने में स्वीटनेस नहीं है तो पूरा पूरा जो उसमें स्वीटनेस आई कहां से स्वामी जी, फिर वो तो मिठास है ना, वो मगर वो तो वो उनकी क्वालिटी है ना मिठास, शुगर का शुगर को मिठास हाँ तो लेकिन क्वालिटी है बरोबर, लेकिन स्वामी जी एक एक बूंद में एक एक जो उसका जो है उसमें रहेगा तो पूरे में आएगा ना, एक एक में नहीं रहेगा तो कहां से आएगा स्वामी जी। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जड़ अवस्था है, जड़ परमाणु की ये एक अवस्था है आप समझे, और इसीलिए सभी परमाणु के अंदर मिठास नहीं है, सभी परमाणु के अंदर तिखास नहीं है, सभी परमाणु के कड़वास नहीं है। नहीं वो बराबर है स्वामी, लेकिन उसमें नहीं ऐसा नहीं, वो बराबर भी है पर बराबर में नहीं भी है, तो फिर एक परमाणु के अंदर जो है तो सब परमाणु के अंदर होनी चाहिए ना, सभी परमाणु के अंदर मिठास होनी चाहिए, तिखास होनी चाहिए, कड़वास होनी चाहिए, कोई वो ही परमाणु तो है। नहीं स्वामी जी मुझे बोलने तो दीजिए स्वामी जी। नहीं तुम ही तो बोलते हो, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, आप रिकॉर्डिंग करके देख लेना कि मैं कितना बोला हूँ। स्वामी जी अभी देखो आपने बोला अपना तिखास नहीं है, तिखास नहीं है राइट, लेकिन ठीक है अभी देखो अपना जिस ये है लेकिन उसमें स्वामी जी जिसका प्रोमिनेंस रहता है उसके हिसाब से स्वीटनेस लगती है। अभी लास्ट टाइम स्वामी जी आपने भी अपना ये दिया तो स्त्री पुरुष का अपना कैसे भेद होता है, जिसमें परमाणु उसका ज्यादा रहता है उसके हिसाब से स्त्री रहता है वो पुरुष रहता है,
इसमें भी स्वामी ऐसा है, जो अपना जिसका अपना तो मिठास कैसे रहती है, जिसका अपना मिठास का अपना जो ज्यादा है इसलिए वो मिठास लगती है, तीखा जिसमें ज्यादा है उसमें तीखास लगती है। जिसमें अपना ये वर्ण भी देखो स्वामी जी का, जिसमें नीला रहेगा उसमें ज्यादा है उसका प्रॉपर्टी, उसमें वो नीला लिखेगा, अपना पीला है तो अपना पीला लिखेगा, जिसमें उसका ज्यादा पोर्शन है वो हिसाब से वो दिखता है। बराबर बात है, बराबर बात है, आप जिस प्रकार से समझे हैं इस प्रकार से वो बराबर है। मगर लोगों को कोई लाभ नहीं होगा ये बात सुनकर भी। नहीं स्वामी जी, मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, लोगों को लाभ होगा नहीं उसकी बात नहीं करता हूँ मैं स्वामी जी। नहीं पर मेरा कहने का मतलब ये सिद्धांत लोगों को पुरुषार्थ के लिए एप्लीकेशन में कोई जगह काम में नहीं आएगा। डेफिनेटली स्वामी जी आएगा, अपने एक में वो बोला परमाणु में गुणधर्म माने रहेगा तो वहां से अपने पूरे उसमें कैसे काम में नहीं आएगा स्वामी जी। वो बोला एक उसमें नहीं रहेगा तो अपना पूरा अपने उसमें कैसे आ जाएगा स्वामी जी। अभी ऐसा दूसरा स्वामी जी मान लो चेतन में एक चेतन का एक पुरुष में उसमें बोला चेतन में गुणधर्म नहीं है तो अपने वो बाद में अपना पूरा जो रहेगा उसमें चेतन में अपने गुणधर्म कैसे आएगा स्वामी जी। नहीं नहीं इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जिस प्रकार से समझे हैं वो बराबर है, नो क्वेश्चन। बट लेकिन आप उसको आप अग्री करते हैं? मैं नहीं करता हूं, आपको आपके दृष्टिकोण से आप सही है, बात खत्म हो गई। ठीक है, आप जो मानते हैं वो सही है, मैं मेरे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। नहीं लेकिन स्वामी जी हाँ भी बोलते बाद में अपने वो बोलते अपने दिस ये वो मैं अग्री नहीं करता हूँ, वो कैसे अपना दिस होगा स्वामी जी। तो वही है ना, दादा भगवान भी यही कहते थे कि तुम्हारे व्यू पॉइंट से तुम सही है तो बात खत्म हो गई ना, क्योंकि व्यू पॉइंट आपका है और मैंने कहा आपके व्यू पॉइंट से आप सही है तो फिर क्वेश्चन ही नहीं रहेगा फिर आगे। लेकिन स्वामी जी अभी मैं गूगल में सर्च किया तभी बोला अपना ये इसका जो पर मैंने आप कितना भी सपोर्ट करोगे मैं क्या कहूँ कि आपके व्यू पॉइंट से आप सही है तो खत्म हो गई ना बात। लेकिन स्वामी जी साइंस आपको मेरा स्टैम्प की क्या जरूरत है पहले बताइए मेरे को, व्हाई यू रिक्वायर माय स्टैम्प। लेकिन स्वामी जी आप अपने बोलते हैं ना सबका क्वेश्चन का निराकरण वो होते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मगर मैंने कहा मेरे को जो कहना था वो मैंने कह दिया, फिर भी आपने कहा कि नहीं ये बात मेरी दृष्टिकोण से सही है, मेरी सोच से सही है, मैंने जो रिसर्च किया वो सही है। स्वामी मैंने कहा आपकी दृष्टिकोण से सही है तो खत्म हो गई ना बात, फिर प्रश्न की कहां बात आई। नहीं स्वामी जी अभी मैंने गूगल में सर्च किया तभी वो उसका जो है ना एटम का उसमें भी कलर है ऐसा उसमें बताया था स्वामी। ये जो आप जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं वो आपको मालूम है कि आपने ये विज्ञान जो आध्यात्म विज्ञान की जो बात आपने सुनी है वो गूगल ने नहीं बताई आपको, जो गूगल तो मेरे पहले से था। नहीं नहीं उसमें नहीं गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ स्वामी जी, एक परमाणु अभी आप गूगल बोल रहे हैं फिर ना बोल रहे हैं, मेरे को समझ आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू आस्क मी। आप जो भी बात करते घुमाते घुमाते फिर गूगल पर ले, मैंने गूगल की बात कहा था, आप कह रहे हैं गूगल की बात नहीं करता, तो आप क्या करना चाहते हैं। स्वामी जी गूगल में परमाणु का कलर है ऐसा लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। मैं क्या कहता हूँ गूगल में भी जो भी लिखा है उसमें मैंने कुछ कहा ही नहीं ना आपको। ठीक है स्वामी जी, ठीक है चलो जाओ। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप जिस प्रकार से इनको समझ रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से सही है, फिर क्या तकलीफ है आपको। ठीक है स्वामी, ओके ओके। मैंने ऐसा कहा कि गलत है तभी तो क्वेश्चन होगा आगे। ठीक है, तो मेरा स्टैम्प नहीं लगेगा जहां तक मेरे विजन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से वो बता सकते हैं और लोगों को जब प्रश्न उठेगा तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। यस नहीं डेफिनेटली स्वामी, आपका सब्जेक्ट है और उनका सब्जेक्ट है, मेरा नहीं है। बराबर है स्वामी, राइट। और इसीलिए मैंने मेरे को जितना उत्तर देना था सिद्धांत के रूप से वो मैंने दे दिया। और फिर भी आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है, ये सही है तो कोई बात नहीं। ओके स्वामी ठीक है। और इसीलिए मैंने इसलिए पहले ही आपको कहा था कि जो दो बात आप लेकर आए हैं वो दो बात आप मेरे को प्रूफ के साथ जो भी किताब में लिखी है वो मेरे को भेज देना कि दादा भगवान ने ये कहा है या एक्स वाई जेड ने ये कहा है, मैं उसको पढ़ लूंगा फिर आपको मेरा ओपिनियन दे दूंगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, ओके सर, ओके ओके ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी एकेंद्रीय जीव में क्रोध मान माया लोभ
कैसे रहते हैं? एकेंद्रीय जीवन, एकेंद्रीय जीव में क्रोध मान माया लोभ नहीं होते हैं, पंचेंद्रिय जीव में भी क्रोध मान माया लोभ नहीं होते हैं। क्रोध मान माया लोभ सिर्फ मनुष्य में होते हैं, देवलोक में भी नहीं होते हैं, नरक लोक भी नहीं होते, पशु योनि में भी नहीं होते, और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी नहीं होते हैं। बराबर, अभी आपको और समझ में आ गया? हाँ जी, मैंने आपको, आपने एक ही प्रश्न पूछा एकेंद्रिय का, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेशन। बराबर, ताकि आप ये भी नहीं पूछोगे कि देवलोक में होता है कि नहीं, पशुलोक में होता है कि नहीं, नरक लोक में होता है कि नहीं, सब बोल दिया मैंने, ओनली इन अ ह्यूमन लाइफ। बराबर, एकेंद्रीय जीव में मिश्र चेतन होता है सर? एकेंद्रीय जीव में नहीं होता है मिश्र चेतन, उसमें तो जड़ और चेतन तो ही होता है। मिश्र चेतन का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा, अगर वो रखेंगे तो फिर कर्म बनेंगे। बराबर, तो ये समझो कि हर हर बातों को सिद्धांत से आप समझो, पहले मेरे को पूछो मत। अभी आप साइंटिस्ट है, आपको मालूम है कि शरीर है, आत्मा है और तीसरा प्रतिष्ठित आत्मा है, और उसका काम पुरुषार्थ करने का है। अगर उसमें रखेंगे तो फिर पुरुषार्थ करेंगे, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। राइट स्वामी जी, तो फिर कंफ्यूजन कहाँ है कि आपने सोचा नहीं? ये तो खाली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वृक्ष जो होता है तो उसका ये मूल आत्मा कहाँ होता है, ऐसे में वृक्ष क्या बताया आपने? वृक्ष जो होता है ना, उसे मैं मेरे हिसाब से मिश्र चेतन समझता था। बराबर, वो हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि उसका ओरिजिनल आत्मा कहाँ होता है ऐसे। आपको अभी, आप सबको बता रहा हूँ, आपको वृक्ष में मूल आत्मा कहाँ है ऐसा प्रश्न क्यों उठा? एक्सप्लेन करो क्यों उठा। तो पहले एकेंद्रीय जीव के हिसाब से मुझे ये नहीं, एकेंद्रीय जीव वृक्ष एकेंद्रीय जीव है। फिर प्रश्न करता हूँ कि आपको प्रश्न क्यों उठा, वो बताइए। वो एकेंद्रीय जीव है, उठा क्यों प्रश्न, वो बताइए। मतलब वो जो मैं नहीं जानता था कि उसमें ये काम क्रोध लोभ ऐसा जो मैं आप बोला, आपने बोला कि भाई ये नहीं होता है, वही सबसे प्रश्न इसके साथ में था। नहीं तो कोई भी एकेंद्रीय जीव के अंदर नहीं होता है क्रोध मान माया लोभ, होता ही नहीं है। वो प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होता है क्रोध मान माया लोभ। वो जब शरीर होता है और आत्मा होता है और प्रतिष्ठित आत्मा होता है तभी होता है ये क्रोध मान माया लोभ। अगर इसको कहोगे तो फिर वहां भी कर्म के भुगतान बताएंगे हम। नहीं समझ गया स्वामी जी। तो प्रतिष्ठित आत्मा है वहां तक पुरुषार्थ होता है, जो जीवों के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है इसमें पुरुषार्थ नहीं होता है, कर्म के भुगतान होती है। मनुष्य में से हम एकेंद्रिय में गए तो कर्म के भुगतान हो सकती है, मगर फिर भी वहां पुरुषार्थ नहीं है। बराबर, जैसे यहाँ से देवलोक में गए तो कर्मों के भुगतान के लिए गए मगर पुरुषार्थ नहीं है। बराबर, राइट। तो सिद्धांत सभी जगह एक ही प्रकार का होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये मानव योनि में ही ये सब होता है, बाकी मानव योनि में ही होता है पुरुषार्थ, और मानव योनि में ही मोक्ष है। सही, जहाँ पुरुषार्थ है वहां बंधन भी है, जहाँ पुरुषार्थ है वहां से मोक्ष भी है, मोक्ष भी है। सही, और जहाँ बंधन नहीं है वहां मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष नहीं है तो बंधन कैसे होगा? नहीं, हम कहीं देवलोक में जाएंगे तो बंधन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है। नरक लोक में जाएंगे तो बंधन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया है ना, जहां से मुक्ति होगी वहां से ही बंधन लागू होता है। जहां मुक्ति नहीं है वहां बंधन नहीं है, वहां कर्मों की भुगतान है। इसको बंधन नहीं बोला जाता है, सिर्फ भुगतान बोला जाता है। बंधन मनुष्य में होता है क्योंकि यहाँ आप कर्मचार्ज कर सकते हैं, वहां कर्मचार्ज नहीं कर सकते हैं। सही है स्वामी। तो फिर ये सिद्धांत हो गया, फिर ऐसा नहीं कि आज अलग कल का अलग परसों अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले से ही ये आध्यात्म विज्ञान में बताया गया है कि मनुष्य भव के अलावा और कोई गति के अंदर पुरुषार्थ नहीं है, एक बोल दिया। और पुरुषार्थ करने का स्वभाव प्रतिष्ठित आत्मा में है, तो फिर आपको एज अ साइंटिस्ट समझना पड़ेगा कि अगर मनुष्य के अंदर ही पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ करने का स्वभाव प्रतिष्ठित आत्मा में भी है, तो फिर मनुष्य के अलावा और कोई गति में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगा और पुरुषार्थ नहीं होगा। सिंपल बात हो गई, फिर अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, बराबर। जब सिद्धांत बोल दिया तक मतलब क्या हुआ?
नहीं लाइफ। हाँ, हमने बोला कि भाई हम व्यक्ति के रूप में किसी को भगवान आध्यात्म विज्ञान नहीं मानता है, व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के अंदर भगवान होता है। फिर आप कहोगे नहीं मगर राम भगवान है कि नहीं लोग तो मानते हैं, कृष्ण भगवान है कि नहीं लोग तो मानते हैं, माई भगवान है कि नहीं, भाई फिर इंडिविजुअल पूछने की क्या जरूरत है। मैं वो सवाल ही नहीं, जब मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी व्यक्ति शरीर के रूप में भगवान नहीं हो सकती है, फिर व्यक्तिगत पूछने की जरूरत नहीं है। तो हर विज्ञान का मतलब है हर बातों को सिद्धांत से समझोगे तो हर प्रश्न का समाधान सिद्धांत में है। किसमें है? सिद्धांत में है। और वही सिद्धांत आपको आत्मसात करना है, और वो सिद्धांत कुदरती कानून के साथ जुड़ा है, कोई व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है। आज जो भी तीर्थंकर भगवान हो गए, जो भी ज्ञानी भगवंत हो गए, जो भी केवली भगवंत हो गए, उन्होंने भी ये दुनिया का सनातन सत्य आत्मसात किया जो था, बराबर, उन्होंने बनाया नहीं है। सही। मगर आत्मसात हो गया तो दुनिया का रहस्य खुला हो गया, और इसीलिए अज्ञान खत्म हो गया, तभी तो वो मोक्ष में गए। और जिसका अज्ञान है इनको अभी मोक्ष संभव नहीं है, जन्म मरण और कर्म कर्म बंध कर्म फल कंपलसरी है, और कोई रास्ता भी नहीं है। कोई कहेगा मेरे पास अज्ञान है और मेरे को कर्मबद्ध नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल बात है। बराबर। और कोई कहेगा मेरे पास अज्ञान नहीं है और मुक्ति नहीं होगी, ये भी इम्पॉसिबल है। अज्ञान नहीं है तो मोक्ष में जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी, सही है, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सही। जब अज्ञान नहीं है तो आपको कर्म नहीं बनेगा, जन्म मरण कैसे होगा? और जब आपको 1% का भी अज्ञान है तो कर्म बनेगा, तो जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता हूं, मेरा साथ नहीं होगा, भले अज्ञान बाकी है, तो भाई ये तो सिद्धांत है कुदरत का, इसमें आप मानो या ना मानो क्या फर्क पड़ेगा। तो हर बातों को जैसे जैसे आप सिद्धांतों के रूप में समझते जाओगे, वैसे वैसे आपको हर बातों का समाधान ये सिद्धांत ही देगा। बराबर। कौन देगा? सिद्धांत ही देगा। हाँ, और इसीलिए मैंने कहा कि जितना सिद्धांत समझते हो इतना आपके लिए अच्छा है। और वो सिद्धांत का मतलब किसी ने बनाया हुआ नहीं, वो तो कुदरत का कानून है, और वो कानून हम अपने अनुभव से उसको आपके सामने रखते हैं, मगर ये कानून हमने नहीं बनाया, सनातन सिद्धांत है, वो तो है ही और था। मैंने उसको रियलाइज करके एक्सप्लेन किया है, मैंने बना के एक्सप्लेन नहीं किया है। एग्जैक्टली। और वो ही कानून को आपको रियलाइज करना है, कोई व्यक्ति को नहीं करना है। राइट। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि हम कोई भी शास्त्र पढ़े, कोई भी किताब पढ़े, कोई भी किसी का भी प्रवचन सत्संग स्वाध्याय सुने, अच्छी बात है, एज अ ह्यूमन कोई गलत काम करते हैं, इससे अच्छा ये सुनते हैं तो कोई उदय कर्म के अधीन कुछ गलत नहीं है। मगर हम सुनते समय पढ़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सनातन सत्य को, कुदरती कानून जो हम समझे हुए, इसको हम ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम प्रगति की ओर नहीं अधोगति की ओर चले जाएंगे। नहीं स्वामी जी, जब से हम समझो कि ये 2-3 महीने से सब इसे ज्वाइंट है, हम दूसरा कुछ भी नहीं सुनते। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं सुनो, एक बात, सुनना वो आपका उदय कर्म है, समझ पढ़ना वो भी आपका उदय कर्म है, मगर जब विजन आपको विज्ञान का मिल गया है तो कोई भी बातों को सुनते और पढ़ते समय विज्ञान लक्ष्य में रखो कि ये बातें विज्ञान से मिलती है कि नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो बाईपास करो, नहीं मिलती है तो बाईपास करो, खत्म हो गई बात। ये मैं कहता हूँ, आप नहीं सुनो नहीं पढ़ो ये तो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि आपका उदय कर्म है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मगर दृष्टि के अंदर जब मैं मैच्योर हो गया, जब मैं ग्रेजुएट हो गया, तो फिर मैं अगर 5वीं 6वीं कक्षा में बैठूंगा तो अभी मेरे को मालूम है कि ये तो सब मैंने पढ़ लिया है तो जरूरी नहीं है, मगर उदय कर्म के आज दिन बैठा हूँ। अरे ये सिद्धांत अपने को समझ में आए तभी तो हमें एकदम, और किसी में ध्यान नहीं रखेंगे तभी पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगा नहीं। स्वामी जी जी जी, सबसे हम एक तरफ से ये साइड से ही देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और इसमें ही ध्यान पूरा देते हैं, 3-4 घंटे उसमें ही देते हैं, क्या कि हमको ये पूरा समझना है। ये विश्व का सद्भाग्य है कि कम से कम आपको ये विज्ञान समझने के बाद प्रश्न तो उठते हैं जो आज तक आपके दिमाग में जो प्रश्न आए ही नहीं थे, इन्हें विज्ञान समझने के बाद उठे हैं। नहीं सवाल ही नहीं है वो हिसाब से हम बोल भी सकते हैं, नहीं तो क्या है आज, बराबर हमारा जो भी आज प्रश्न गलत है, बराबर आज जो भी लोग प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न या तो सामाजिक नहीं है या तो धार्मिक नहीं है। जो पहले प्रश्न करते थे वो सामाजिक और धार्मिक थे, राइट, अभी वो सामाजिक और धार्मिक प्रश्न लोग यहाँ नहीं करते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, क्योंकि जब विज्ञान सुनेंगे तो विज्ञान रिलेटेड प्रश्न ही तो रहेंगे ना। और वो उन्नति के विज्ञान की देन है कि आपको इसी प्रकार का ही प्रश्न होता है, नहीं तो कोई कहेंगे भी ये मेरे सासू बहू का प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं धर्म की क्रिया को कैसे करूं, यही प्रश्न रहेगा। हाँ वो तो सवाल यह है ही, तो ये तो यहाँ होता नहीं है, सवाल ही नहीं है स्वामी जी। तो ये विज्ञान समझने के बाद हुआ ना, पहले तो नहीं हुआ ना कभी। हाँ ना एकदम ध्यान दिया तभी होता है, और ऐसे हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये अध्यात्म विज्ञान को धन्यवाद करो कि अंदर से ये विज्ञान मेरे को सुनने का मौका मिला, हम आपको भी धन्यवाद। मेरी दृष्टि के अंदर विज्ञान के अंदर और डीप में जाने की और अनुभव करने की समझने की मेरे को ताला मिली लगी है, नहीं तो ये विज्ञान अगर मिला ही नहीं होता तो इस फील्ड में मैं जाता ही नहीं। सही स्वामी जी, और ये जब सब हमको समझ में आया कि सनातन सिद्धांत ये है, तभी तो हम आपके ऐसे एकदम जुड़ गए ना कि भाई ये सही बात हो रही है, तो फिर और क्या ध्यान देवे। जी 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 जी, ओके, जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद, यस। अबे सच्चिदानंद, मेरा प्रश्न दर्शन के संबंध में मेरा प्रश्न है। तो आपने उस दिन बताया कि विज्ञान और दर्शन का संबंध चित से है, और दादाजी ने ऐसे बताया कि जो चित जो है वो फोटो दिखाता है, तो एक तो ये कि दोनों में कनेक्शन कैसे है कि विज्ञान और दर्शन है वो चित के साथ संबंध है और वो फोटो दिखाता है, एक तो ये समझना है। और दूसरा ज्ञान और दर्शन के संबंध में दादाजी ने एक एग्जाम्पल दिया है, कभी भी मैंने कई दफा उसको समझने की कोशिश की है लेकिन उसका मुझे एग्जैक्ट उसका समझ नहीं पड़ी है। दादा ने बताया कि भाई कहीं पर कोई अंधेरा है और दूर से कुछ दिखता है तो हम पहले लगता है कि भाई जो है ये कुछ है, और जो कुछ है ऐसा लगता है तो वो दर्शन है, और जब वो पास में आती है तो पता चलता है कि अच्छा ये तो गाय है, तो वो ज्ञान हो गया। तो ये इसमें और आपने जो ज्ञान और दर्शन बताया ये बताया कि भाई जो आत्मा मैं आत्मा हूँ ये पहले इसका ज्ञान था, और अब जो मैं मुझे सामने आ गई कि मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान है, और जो है ये बाकी सब कुदरती रचना है ये समझना ये दर्शन है। तो उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? दादा ने जो एग्जांपल दिया है और आप जो ज्ञान दर्शन बता रहे हैं इसमें, कि ये थोड़ा सा दोनों एस्पेक्ट थोड़ा समझाइए। जी 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 जी, तो काफी काफी सिंपल बात है कि आपने पहले चित्त का प्रश्न किया, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन, वो तो आप तो हमारे एक के अंदर बहुत बार लिखा हुआ है ज्ञान दर्शन, ठीक है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वो दादा भगवान ने बहुत बार अब तो वाणी एक में भी है, और चित्त का फोटो वो भी कहा है और चित्त का ज्ञान दर्शन वो भी कहा है। ज्ञान दर्शन का मतलब होता है जैसे जय सत्य चित आनंद ऐसा बोलते हैं, तो सत्य का मतलब होता है सत्व शाश्वत, चित का मतलब होता है ज्ञान दर्शन, और आनंद का मतलब होता है परमानेंट हैप्पीनेस। तो जिसका ज्ञान दर्शन परमानेंट है, इसका आनंद स्वभाव है, इसको मेरा नमस्कार, इसको जय सत चित आनंद कहते हैं। तो चित का मतलब ज्ञान दर्शन है, मगर वो ज्ञान दर्शन शाश्वत है। तो चित के बिना ज्ञान दर्शन नहीं है, और शुद्ध चित ही शुद्धात्मा, वो भी आपने शायद पढ़ा होगा सुनना होगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग समय पे ज्ञानी पुरुष ने अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग परिभाषा की बात कही है, और इसीलिए 100% मैं कहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति किताब पढ़ेगी तो इनको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि एक ही शब्द का
अलग अलग अर्थ अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों को बताया गया है, ठीक है जी। बहुत सारी बातें, इसलिए मैंने कहा ना कि आप्तवाणी के अंदर, मैंने पहले भी कहा है आज रिपीट करता हूं कि आप्तवाणी के अंदर 90% बात रिलेटिव सत्य है, सब्जेक्ट टू पर्सन, नॉट सब्जेक्ट टू ऑल और नॉट सब्जेक्ट टू यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसीलिए ऐसा तो होना ही है, ये आपने जो प्रश्न उठाए ऐसे तो हजारों प्रश्न में खुद बता सकता हुआ, मगर कोई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो कोई प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा, हमारा काम विज्ञान बताना है, विज्ञान नहीं है वो बताना नहीं है। तो ये चित का मतलब होता है ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन से ही पुरुषार्थ होता है, जैसा ज्ञान जैसा दर्शन वैसा पुरुषार्थ। तो ज्ञान दर्शन है वैसा पुरुषार्थ होता है, तो जो व्यक्ति का डेवलपमेंट है उसी के मुताबिक उसका ज्ञान दर्शन है, और उसी के मुताबिक उस लेवल का वो पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ज्ञान और दर्शन वो दोनों चित चित के अंदर है। अभी आपने ये प्रश्न किया कि दादा भगवान ने कहा है कि हमको बहुत अंतर से जो कोई चीज दिखती है तो हमको लगता है कि ये गधे जैसा लगता है, और नजदीक में आएगा तो हमको लगेगा कि ये गाय का बच्चा है, तब तो गाय का बच्चा हमने देखा एग्जैक्टली तो वो ज्ञान हो गया, और दूर से गधे जैसा लगा तो हमको दर्शन कहेगा, ठीक है जी। तो ये आपको अभी सिद्धांत के रूप में समझना है इस बात को जी, कि ये जो ज्ञान दर्शन की बात कही वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन है, ये सनातन सत्य का ज्ञान दर्शन नहीं है। सनातन सत्य में ज्ञान इसको कहते आई एम अ प्योर सोल, वो सनातन सत्य है और वो सबके लिए एक है, सबके लिए। तो और कोई ज्ञान कहोगे कि भाई जैसे मेरे को कोई सब्जेक्ट का ज्ञान है, कोई व्यवहार का ज्ञान है, वो ज्ञान तो एक्चुअली दर्शन है, दर्शन का पेटा विभाग है ज्ञान दर्शन, वो मूल ज्ञान नहीं है। मूल ज्ञान का मतलब होता है आई एम अ प्योर सोल, और दर्शन का मतलब होता है, मूल दर्शन का मतलब होता है ऑल दिस रिलेटिव ज्ञान इज ओनली कुदरती रचना। अगर आप इसको कुदरती रचना समझोगे तो फिर वो कोई भी ज्ञान रिलेटिव सत्य का ज्ञान या तो दर्शन आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तभी आप इससे मुक्त रह सकते हैं, नहीं तो राग द्वेष होना तो संभव है ही। रिलेटिव सत्य में कोई भी ज्ञान और कोई भी दर्शन को अगर आप वैल्यू करोगे मतलब आप इसमें फंस गए, या तो राग से या तो द्वेष से, कोई भी रिलेटिव सत्य की बात है, एनी काइंड ऑफ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे को मोक्ष में जाना है मगर मेरे को तीर्थंकर के ऊपर राग है, तो ये मेरी अज्ञानता है। You understand my point? जी। क्योंकि ये राग जो है वो तीर्थंकर के ऊपर है, और तीर्थंकर व्यक्ति है और वो विनाशी है, टेम्पररी है, तो मेरा दर्शन भी टेम्पररी हो गया, मेरा ज्ञान भी टेम्पररी हो गया। Am I right or wrong? जी। तो जब मैं तीर्थंकर को और तीर्थंकर की हर अवस्था को जब मैं कुदरती रचना देखूंगा तो राग द्वेष होने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो सनातन सत्य है, और मेरा मन वचन काया वो भी कुदरती रचना है, वो भी सनातन सत्य है, तो वहां भी राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, और मेरा आत्मा है वो भी सनातन सत्य है। तो जब ज्ञान और दर्शन हमारे विजन में जब सनातन सत्य के रूप में रहेगा तो फिर अज्ञान खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं है। हमको रिलेटिव सत्य में जानने का रस इसीलिए है क्योंकि अज्ञान है, नहीं तो क्यों जानेंगे। वाह, अगर मेरे को सनातन सत्य मिल जाता है तो मैं रिलेटिव सत्य को क्यों जानूंगा? वाह, आखिर वो अज्ञान की ही ब्रांचेस है ना। तभी तो कहा है कि देवलोक के अंदर जाना वो भी तो पुण्य का बंधन है, वहां से भी मुक्ति पाना है, नहीं तो हम नहीं कहेंगे भी देवलोक तो अच्छा है मनुष्य से तो राइट।
जब देव लोग को ही बंधन कहा है तो मनुष्य की कोई भी अवस्था को बंधन क्यों नहीं कहेंगे, बताइए मेरे को। और वही तो अज्ञान है। और इसीलिए मैंने बोला आज तक ज्ञान और दर्शन की जो सही परिभाषा है आज तक लोगों को समझ में नहीं आई और लोग कंफ्यूजन में रहे, और इसीलिए पुरुषार्थ कहां करना है वो नहीं समझ पाए, और इसीलिए ये अध्यात्म विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषार्थ क्या करना है। सनातन सत्य को न समझना, सनातन सत्य का उपयोग न करना, सनातन सत्य का अनुभव न करना, वो अज्ञान है। तुम इंजीनियर हो के नहीं, तुम राम को मानते हैं कि नहीं, तुम पूजा पाठ करते नहीं, वो अज्ञान से मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये सब रिलेटिव सत्य है, रिलेटिव सत्य है। तो हमको रिलेटिव सत्य को ही तो मिटाना है। मैंने अज्ञान की व्याख्या क्या कहा, अज्ञान का मतलब होता है ऑल काइंड ऑफ रिलेटिव ट्रूथ डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड टेम्पररी। और वो कैसे आप उसको मिटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, विद द हेल्प ऑफ सिक्स इंटरनल एलिमेंट, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर जो परमानेंट है। इसके अलावा अज्ञान निकालने का और रास्ता कौन सा होगा, बताइए आप मेरे को। क्या पूजा पाठ करने से अज्ञान निकल जाएगा? नहीं, वो मेरे को डर, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो हम बोलते हैं कि ज्ञान दर्शन है, ये कौन से जो बोलते कि चित है, तो चित से हम अंतस्करण को ऑब्जर्व करते हैं तो एक अंतस्करण की फैकल्टी तो हमको दिखती है कि जो हमको फोटो दिखाती है। और मेरी समझ में ऐसा पड़ा है कि दादा ने बताया कि ये जो फैकल्टी जो हमको फोटो दिखाती है वो चित है। तो ये जो ज्ञान दर्शन, फिर पहले आपके फोटो दिखाती है, फिर क्या होगा? फोटो दिखाती है तो उसके बाद फिर बेसिकली फोटो देखते हैं तो फिर हमारा ध्यान वहां पर जाता है, उसमें फिर वो बुद्धि उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका ध्यान जाएगा? आपने कहा कि हम फोटो देखते हैं तो ध्यान जाएगा, मतलब मन बुद्धि चित अहंकार जी, तो किसका ध्यान जाएगा? मन से जाएगा, बुद्धि से, चित से, अहंकार से, किससे जाएगा? वो ध्यान बुद्धि में हो सकता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बुद्धि तो बुद्धि का काम एनालिसिस करना है, मगर वो ज्ञान दर्शन है उसके मुताबिक एनालिसिस करेंगे, अपनी मर्जी से तो नहीं करेंगे। राइट। तो मेरा यही तो अगला प्रश्न था। मैंने कहा कोई भी चीज को आपने देखा, देखने के बाद आपने उसको आइडेंटिफाई किया वो ज्ञान है, और देखा वो आपका दर्शन है, मगर वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन है। क्या बताया मैंने? जैसे हमने दूर से आम को देखा, फिर ये आम है वो ज्ञान हो गया, और आकार और कलर दिखा वो दर्शन है। वो छोटा बच्चा भी देख सकता है, एक साल का भी आकार देख सकता है, कलर भी देख सकता है, मगर इसको मालूम नहीं है कि कौन सा आकार, इसको टाइटल क्या दिया जाए, कलर का नाम भी नहीं मालूम है, ये आम है वो भी नहीं मालूम, मगर आंखों से देख तो सकता है वो। तो कहने का मतलब ये है ज्ञान और दर्शन वो आपके डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। और जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा ऐसा ज्ञान और दर्शन आपका हाई लेवल का होगा। और अल्टीमेट ज्ञान दर्शन क्या होता है? अल्टीमेट ज्ञान और दर्शन है आई एम अ प्योर सोल, एंड मेरे अलावा जो पूरा ब्रह्मांड है वो सनात कुदरती कानून के ऊपर है, बस वही दर्शन है, छह तत्वों के ऊपर आधारित वही दर्शन है। उसके अल्टीमेट क्या होगा, उसके आगे क्या हो सकता है? तो इसको ज्ञान और दर्शन को समझ के रूप में मानना चाहिए कि जो समझ है हमारी दृष्टि के रूप में, दृष्टि के अंदर ही ज्ञान और दर्शन है, और उपयोग भी दृष्टि के अंदर ही है। तो बुद्धि के अंदर उपयोग नहीं है, मन के अंदर उपयोग नहीं है, अहंकार के अंदर उपयोग नहीं है, उपयोग सिर्फ दृष्टि के अंदर है, और दृष्टि के साथ चित के अंदर जो दृष्टि है ज्ञान दर्शन है, उसके आधार से ही आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। इट इज कनेक्टेड विथ योर डेवलपमेंट। लेकिन जो दृष्टि है, जो बोल रहे हैं दृष्टि और समझ दो अलग अलग चीज है, हाँ बताऊ मैं आपको, समझ जो है वो समझ आपके डेवलपमेंट के आधार से वो बात आपको समझ में आती है। एक ही बात
दस व्यक्ति को अलग अलग समझ में आती है क्योंकि उसका ज्ञान दर्शन का लेवल अलग अलग है, तो समझ भी अलग अलग रहेगी। उनको जैसा दिखेगा और दिखने के बाद जैसा समझेगा वो तो एक्सप्लेन करेगा ना जी। तो बात वही आ गई फिर। तो ये रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य का, और इसीलिए उसको दर्शन बोला हमने। व्यवहार के कोई भी ज्ञान दर्शन, व्यवहार की कोई भी ज्ञान को, धार्मिक कोई भी ज्ञान को हम दर्शन कहते हैं क्योंकि वो सनातन सत्य नहीं है। तो वो दर्शन में आ गया, वो ज्ञान और दर्शन दोनों दर्शन में आ गया क्योंकि रिलेटिव, रिलेटिव सत्य और प्रकार का ज्ञान दर्शन वो दर्शन में ही आएगा। ज्ञान भी जैसे मेरा नाम चंदूलाल है वो भी वो ज्ञान है मगर वो दर्शन में आ गया क्योंकि वो सनातन सत्य नहीं है ना, वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान दर्शन है, टेम्पररी का ज्ञान दर्शन है। ज्ञान किसको बोला जाता है? जो चेतन स्वरूप है, जो शाश्वत है, जो जन्म मरण से पर है और जो खुद ही अनंत शक्तियों वाला है, वो ज्ञान है। और दर्शन का मतलब होता है टेम्पररी, सर्कमस्टेंसेस, कम एंड गो आते और जाते हैं, जन्म जीवन मृत्यु ये सब दर्शन में आ जाएगा। मन वचन क्या है कि हर अवस्था दर्शन में आ जाएगी क्योंकि सब टेम्पररी है। तो मतलब बेसिकली रियल और रिलेटिव जो दो हैं, ये रियल और रिलेटिव, तो वो जो दृष्टि है कि ये रियल है ये रिलेटिव है, तो वही ज्ञान दर्शन हो गया। हाँ, मगर रिलेटिव को, रियल और रिलेटिव शब्द तो बराबर है मगर शब्द के पीछे आपका विजन क्या है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रिलेटिव रियल तो दादाजी ने बताया, पहले दो आ गया रिलेटिव और रियल, मगर रिलेटिव को हम समझ नहीं पाए। जब दादा भगवान ने कहा रिलेटिव इट मीन्स व्यवस्थित शक्ति, और वही तो मैं कहता हूं कुदरती रचना जी। मगर जब जब ये रिलेटिव सत्य को व्यवस्थित शक्ति के साथ उन्होंने जब फॉर्मेट दे दिया, देन आफ्टर द पीपल दे आर इन कंफ्यूजन। फिर इसको भी पुरुषार्थ बताया, व्यवस्थित शक्ति को समझना वो भी पुरुषार्थ बताया, और ये फॉर्मेट को भी पुरुषार्थ बताया, सो पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल साइंस। और इसीलिए व्यवस्थित शक्ति जो वास्तव में विज्ञान समझना था उसके ऊपर फोकस नहीं गया, और संभाव से निपटारा करना है, प्रकृति को सुधारना है, प्रतिक्रम करना है, सामायिक करना है, विधि करना है, उसमें चला गया हमारा इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट जी? जो व्यवस्थित शक्ति के ऊपर डीप में जा रहा था, जो व्यवस्थित शक्ति समझने के लिए दादा भगवान ने कहा मैंने 1,000,000 साल व्यतीत किए हैं उनकी भाषा में, तो हमारे को भी उसी के ऊपर जाना था टू रियलाइज द फाइनल ट्रूथ, करेक्ट। मगर फिर भी हम फॉर्मेट से चले गए विद द हेल्प ऑफ दादा भगवान आग्नास, आप समझ गए। तो वो जो ओपन होना था व्यवस्थित शक्ति का, साइंस, साइंस व्यवस्थित शक्ति इज द नेम ऑफ द साइंस, करेक्ट। व्यवस्थित शक्ति वो साइंस नहीं है, वो साइंस का टाइटल है, टाइटल समझते हैं ना, इट्स अ टाइटल जी। तो वो टाइटल के अंदर क्या क्या था कि टाइटल के अंदर 6 तत्व थे, कुदरती कानून था और उनकी बनाई हुई अवस्था को कुदरती रचना बोलेंगे। तो ये जो साइंस था, ये साइंस ये इसके विंडो से ओपन करने का था, मगर हम वहां अटक गए कि बस कुछ भी होता है व्यवस्थित है, कुछ भी होता है व्यवस्थित है। तो जो साइंस समझना था वो मैकेनिकल ट्रेड हो गई। जैसे पहले हम धार्मिक लोग थे तो हम क्या समझते थे, कुछ भी होता था मेरा उदय कर्म है, मेरा उदय कर्म, यही बोलते थे ना, या मेरे कर्म का फल है। तो उसमें साइंस क्या आ गया, इट्स अ मैकेनिकल ट्रेड, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये साइंस नहीं है। साइंस का मतलब होता है यू प्रूव इट हाउ इट इज टू बी कॉल्ड ए उदय कर्म, यू एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाए, सिंपल बोल दिया मेरे कर्मों का फल है, फिर कहेंगे मैं क्रिया करता हूं वो पुरुषार्थी है, मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंड साइंस। एक बात, क्रिया को आप उदय कर्म भी बोलते हैं और पुरुषार्थ भी बोलते हैं, मतलब यू आर इन अ कंफ्यूजन, यू वांट अ क्लैरिटी ऑफ अ कॉज एंड इफेक्ट, यही तो कंफ्यूजन रहा। तो जो दृष्टि की जो बात करते हैं, तो नॉर्मली जैसे मैं अभी अवस्थाओं को देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि अवस्थाओं के अंदर है, तो इसको हम सही दृष्टि जो आप दे रहे हैं, दादाजी ने जो दी है,
बेसिकली वो ऐसे समझना चाहिए कि भी जो है खाली उसको दो ही तरह से देखें कि भी एक कुदरती रचना है या उसको रिलेटिव बोलें और एक मैं हूँ शुद्धात्मा हूँ, तो ये रियल रिलेटिव दो हो गए, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। तो उसी दृष्टि को खाली उतना ही यूज करना है कि आगे जो कुछ भी खड़ा होता है कि ये है, ये गाड़ी है, ये मकान है, ये कुदरती रचना में आ गए, कुदरती रचना में आ गए, तो उसको कुदरती रचना को खाली उसको कुदरती रचना का विभाजन करके जो हमारी बुद्धि दिखाती है उसका विभाजन नहीं करना, उसको खाली कुदरती रचना रिलेटिव करके उसको छोड़ देना है। नहीं, अगर आप नहीं, मैं कैमरा कहने का मतलब होता है विभाजन क्यों करेंगे, क्या हम कुदरती रचना बोलते हैं क्या उसमें कोई कमी है? आप गाड़ी कहो, बंगला कहो, मोटर कहो, शरीर कहो, संबंध कहो, सत्ता कहो, संपत्ति कहो, अगर हम कुदरती रचना बोलते हैं तो क्या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट नहीं, लेकिन जो हमारे एक तो ये है कि हमारी जो दृष्टि के अंदर वो अवस्था खड़ी होती है, तो खड़ी होती है तो उसको हम एकदम से कैसे उसके अंदर से निकल के कुदरती रचना के रूप में देखें, तो ये सबसे काफी बड़ा स्टेप तो ये है कि भी जो हमको अवस्था दिखती है उस अवस्था दृष्टि से निकल के हम खाली कुदरती रचना में जाएं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार के अंदर तो अवस्था के साथ ही हमको डील करने का है, तो उसमें हम उसको अवस्था को कैसे इग्नोर करें? तो वहां पर जब व्यवहार में जाते हैं तो फिर तो हमारी दृष्टि अवस्था के अंदर ही रहती है, तो उसमें कैसे हम मेल बिठाएं? वही मैं कहता हूं कि यही तो हमारी कहीं अवतारों से हमारी अज्ञान की परंपरा है कि ये, इसलिए मैंने कहा था कि मैं शरीर हूं वो पहला अज्ञान है, मैं शरीर को चलाता हूं वो दूसरा अज्ञान है, और शरीर जो भुगतान कर रहा है वो मैं भुगतान कर रहा हूं वो तीसरा अज्ञान है, वो मैंने बहुत बार कहा है। और इसीलिए मैं शरीर वो पहला तो अज्ञान है, वो निकल गया और मैं शुद्धात्मा हूं। अभी दूसरा अज्ञान बाकी रहा कि शरीर को मैं चला रहा हूं, जैसे मन वचन काया को अवस्था में मैं यूज कर रहा हूं, ये दूसरा अज्ञान है। और जो मन वचन काया को भुगतान करते वो मैं भुगतान करता हूं, तीसरा अज्ञान है। ये तीनों अज्ञान को निकालना है, निकालने का एक ही रास्ता है, तीनों अवस्थाओं को कुदरती रचना के रूप में देखो, क्योंकि वास्तव में भी कुदरती रचना है। आपने कहा मेरे को सोचना पड़ा, क्यों सोचना पड़ा? अवस्था किसने दिया? कुदरत ने। बोलना पड़ा, क्यों बोलना पड़ा? अवस्था क्या दे? अवस्था किसने दिया? कुदरत ने। मेरे को यह करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? संजोग के अधीन। संजोग किसने दिया? कुदरत ने। क्यों दिया? आपके पिछले अवतार के कर्मों के फलस्वरूप। तो कुदरती रचना ही है, तो कुदरती रचना देखोगे तो और कोई ऑप्शन की आवश्यकता क्या है? मतलब उसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये जो दिखता है हमको, हम इतना एनालिसिस करते हैं और बुद्धि दिखाती है, प्रॉफिट लॉस दिखाती है, वो इसलिए हो रहा है कि पहले अवस्थाओं के ऊपर हमने एम्फेसिस दिया है, अवस्थाओं की इम्पोर्टेंस मानी है। वही तो अज्ञान था, वही तो मैंने इसीलिए तो कहा कि रिलेटिव सत्य के अंदर इसको न टच करना है, न डीप में जाना है, न सुधारना है, न बदलना है, न इसको समझना है, सिर्फ इसको कुदरती रचना को कुदरती रचना के फॉर्म में देखकर हमको इससे मुक्ति पाना है। वी डोंट रिक्वायर द एनी डिटेलिंग, व्हेन यू एंटर इन अ डिटेलिंग दे क्रिएट द सो मेनी पजल इन योर माइंड एंड इट इज कन्वर्टेड इन अ रिलेटिव ट्रुथ। राइट, तो ये रियल ट्रूथ कभी नहीं मिलेगा आपको इसमें से प्रोसेस करके, रियल ट्रूथ कभी नहीं मिलेगा। या रिलेटिव ट्रूथ में जब एनालिसिस होता है, उसके अंदर जब जाता है, तो उसके अंदर से फिर मुझे यही समझ में आता है कि भी ये जो सब कुछ हो रहा है, जो भी एनालिसिस हो रहा है अंदर, वो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना वो मेरी नहीं है, वो एक दिन यहीं पर रह जाना है, जो आपने बताया कि भी तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, तो वो एवरीथिंग यहीं पर रहने वाला है, तो उसमें इतना हम एनालिसिस में जाते हैं, तो जिस चीज का मेरा कुछ है ही नहीं, तो उसका एनालिसिस में जाने का, तो धीरे धीरे करके जब वो कुदरती रचना के रूप में उसको देख पाएंगे तो वो उससे छूटता जाएगा। वही मैं कहता हूँ ना भैया कि एक दिन तो आपको 100% कुदरती रचना को, कुदरती रचना मन वचन काया की या इंद्रियों से दिखी हुई हर अवस्था को समझना ही पड़ेगा। दिस इज द अल्टीमेट फॉर केवल दर्शन, उसके बिना केवल दर्शन संभव नहीं है। 100% देखना पड़ेगा, 100%, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली। और यही तो मैं कोशिश करवा रहा हूं सबको। आज तक हम जितने भी रिलेटिव सत्य के अंदर डीप में गए,
चाहे मन के लेवल पे, चाहे स्पीच के लेवल पे, चाहे एक्शन के लेवल पे, चाहे सोशली, चाहे रिलीजियसली, यही तो हमारा पजल हुआ। और इतने अवस्था में जुड़ गए कि हम रिलेटिव सत्य के अंदर ही डिबेट करने लगे, तो सनातन सत्य तो बाकी रह गए। एक कहेगा राम मेरा भगवान है, कोई कहता नहीं मैं तो कृष्ण को मानता हूं, कोई कहता है मेरे को महावीर को मानता हूं, कोई कहता है पूजा पाठ करना चाहिए, कोई कहता है आरती करना चाहिए, कोई कहता है ये क्रिया करना चाहिए। तो रिलेटिव सत्य के अंदर यानी सोशल एंड रिलीजियस ट्रूथ के अंदर इतने डीप में चले गए कि सनातन सत्य कोई सनातन सत्य के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं। और यही तो अज्ञानता से हम भटक रहे हैं। और पूरी अज्ञानता निकालने का एक ही रास्ता है कि जो रिलेटिव सत्य है इनको रिलेटिव सत्य ही देखो, क्योंकि आखिर ही कुदरत का है, नहीं मानोगे तो भी यू नो एनी ऑप्शन एट ऑल। और इसीलिए मैं तो आप सबको कहता हूं कि ये कलयुग के अंदर ये इतना सिंपल ज्ञान और दर्शन की जो परिभाषा खुली हुई है वो आप तो इतना पकड़ लो ताकि आप अंतिम सत्य तक जा सके, अंतिम अनुभव तक जा सके। नहीं तो फिर अगर ये बात अगर समझ में नहीं आई, मानो के बाद में जो रिलेटिव सत्य के अंदर जाओगे इससे पाप पुण्य तो जरूर होगा आपको, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मगर उसमें से बाहर निकलने के लिए फिर कोई साइंटिस्ट मिलेगा तभी संभव होगा, बाद में संभव नहीं होगा। ये बहुत बड़ी माया की जाल है अज्ञान की, सामाजिक एंड धार्मिक दोनों की बात करता हूं, और इसमें से निकलना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और अगर आपको आपकी पुण्य से ये बात समझने को मिली है तो इनका आप खुद ही लाभ उठाओ। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि अभी वर्तमान समय में कलयुग के अंदर इससे बड़ा विज्ञान किसी के पास है ही नहीं, है ही नहीं। और मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूं, हाँ धर्म की बात अच्छी है, किसी के पास सिद्धि है, किसी के पास शक्तियां है, रिलेटिव शक्तियां वो है, हो सकती है। ब्रह्म मैं एस्ट्रोलॉजर बड़ा हूं, या तो मैं आंखें बंद करके दुनिया के कहीं हिस्सा में देख सकता हूँ जिसको हम अवधि ज्ञान बोलते हैं, मेरे पास जातीय स्मरण ज्ञान है, मैं पिछला होता देख सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी सिद्धियों वाले लोग तो दुनिया में है और मिलेंगे आपको, मैं उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूं, मगर उनके पास भी सनातन सत्य नहीं है। एक सब्जेक्ट का ज्ञान जरूर उनके पास है, आप समझे ना, सनातन सत्य नहीं है। मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है कि सभी तीर्थंकरों के पास 82 लाख विद्या, जो दुनिया की मैक्सिमम विद्या बोला जाता है, इनको गिफ्ट में मिलती है बिकॉज ऑफ इस ज्ञान दर्शन, फिर भी एक विद्या का यूज नहीं करते, क्योंकि रिलेटिव सत्य है। जब सनातन सत्य प्राप्त हो गया, परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त हो गई, तो ये सिद्धि की मेरे को क्या जरूरत है, अगर खुली भी हो गई तो जरूरत क्या है, मगर वाय वी डोंट रिक्वायर इट, इज ओनली जस्ट ओपन इट बट वी डोंट रिक्वायर इट, जरूरत नहीं है मेरे को, खुली तो हो गई मगर जरूरत नहीं है। तो ये बात है, right. तो हर बात में आप देखो, हम सोशल बात करेंगे या धर्म की बात करेंगे, तो देखो जितने भी महान पुरुष हो गए, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, ज्ञानी के रूप में मानते हैं, अनुभवी ज्ञानी के रूप में मानते हैं, उनका जीवन देखो, उनकी सोच देखो, दे नॉट फॉलो द ट्रेडिशन, दे नॉट फॉलो द रिलीजन, और अगेंस्ट में भी नहीं थे, मगर वो अपने सिद्धांतों के ऊपर आगे गए और तभी वो एक दिन महान बने हैं। बाकी धार्मिक सत्य और सामाजिक सत्य तो लोगों के पास है और उसमें कम ज्यादा हो सकता है, मगर डोंट कंपेयर विद द रिलेटिव ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। यही तो अंतर है। और ये बैरियर तोड़ना, सामाजिक सत्य और धार्मिक सत्य की बैरियर तोड़ना
वो आम लोगों के बस की बात नहीं है। और तभी दुनिया के 98% लोग ये दोनों बैरियर में फंसे हुए हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास सोर्स भी नहीं है। क्या नहीं है? ऊपर जाने का सोर्स ही नहीं है। अभी क्या करोगे? सबको प्रगति तो करना है, सबको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, मगर सोर्स भी तो मिलना चाहिए ना। जैसे अगर आपने ये अध्यात्म विज्ञान अगर आपकी समझ में नहीं आया होता या तो आपको नहीं मिला होता तो आपकी सोच क्या होती बताइए आप? जो दादा भगवान ने कहा है शायद, या तो पहले आपने कोई धर्म को सुना होगा, वही आपकी सोच होगी ना, जिससे आपको यही रहेगा कि पांच आज्ञा और सत साधन, वही रहेगा ना आपका पुरुषार्थ। फिर वही बात हो जाएगी, ये धर्म में होता है कि मेरे को ये करना है मगर होता नहीं है, सामायिक होता नहीं है, प्रतिक्रमण होता नहीं है, विधि होती नहीं है, कीर्तन भक्ति होती नहीं है, यही होगा ना। नहीं, उसमें मुझे थोड़ा सा कि पांच आज्ञा जो दादा ने दी है, पुरुषार्थ तो पांच आज्ञा ने ही बताया है, लेकिन पांच आज्ञा में क्या था कि पांच आज्ञा तो ठीक है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली उसमें कोई, दैट इज द बेसिक, लेकिन उसकी ठीक समझ नहीं मिल रही थी कि जो रिलेटिव क्या है। ये प्रश्न कई दफा खड़े होते थे, पूछते भी थे, लेकिन उसकी एक एग्जैक्ट क्लैरिटी की भी रिलेटिव क्या है, व्यवस्थित तो चलो ठीक है, पहले जो मैंने किया पूर्ण उसका गलन हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा उसका कुछ था, लेकिन रियल रिलेटिव और रियल का भी था कि भी चलो ये ज्ञाता दृष्टा वाला भाग, लेकिन रिलेटिव को रिलेटिव किस तरह से मानना उसकी पूरी नहीं आ रही थी। तो उसके जो है ये जो आपने बताया कि भी जो है ये कुदरती रचना, उसको एक कुदरती रचना के रूप में देख के, तो वो क्लैरिटी थोड़ी सी, तो उसको आज्ञा को दादा ने भी ये बताया कि भाई आज्ञा को खाली समझना है, जितना आज्ञा को समझेंगे तो अपने आप वो वर्तन में आ जाएगी, तो वो आज्ञा की समझ ठीक से नहीं बैठ रही थी। नहीं, वो आपने शायद आपकी व्यक्तिगत बात बताई है, वो अच्छी बात है, मगर आज भी जो लोग 25 साल 30 साल 40 साल दादा भगवान को जो प्रत्यक्ष मिले हैं, उन लोगों को भी आज भी यही है कि मैं जिस प्रकार से रोज नित्य चरण विधि करता हूँ यही मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और उसमें मेरे को संतोष भी हो जाता है, और नहीं होता है तो मेरे को दिन में कंफ्यूजन भी होता है कि आज मेरे से नहीं हुई। ये नहीं कहेंगे कि मेरे को पांच आज्ञा का पालन नहीं हुआ इसका मेरे को कंफ्यूजन है, वो नहीं कहेंगे कभी, और किसी के पास आपने सुना भी नहीं होगा। मैं राजा भगवान के महात्माओं की बात करता हूँ कि पांच आज्ञा का मैंने पालन नहीं किया उनके लिए मेरे को कोई अफसोस नहीं है, मगर मैंने आज विधि नहीं किया है उसका तो जरूर मेरे को अफसोस है। यानी यू नो इन रीजन ऑफ महात्मास कि रिचुअल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पीपल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यू पीपल। तो क्योंकि यही तो सोच थी ना, और मैंने कहा ना कि क्यों ऐसा हुआ, ये दादा भगवान का ऐसा उदय कर्म था कि उनको विज्ञान देना था, वो विज्ञान दे नहीं सके, और इसीलिए उनको ये सत्साधन देना पड़ा, और जब दोनों दे दिया और फिर दोनों में से एक भी तो वो गलत बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो प्रेजेंट किया है, और दोनों साथ में लेकर वो तो चले गए देने के बाद। अभी लोग जो समझने लगे कि हमको ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, आज्ञा कम ज्यादा होते हैं समझ सकते हैं मगर इतना विधि तो हमको करना ही पड़ेगा, तो दिस इज अवर बेस्ट एंड मिनिमम पुरुषार्थ एनी वन कैन डू, तो उसमें इंपॉर्टेंट लगा दिया। हालांकि वो इंपॉर्टेंट लगाना था व्यवस्थित शक्ति को समझने में, मगर क्योंकि रिचुअल्स का इंपॉर्टेंट आ गया तो इसका इंपॉर्टेंट रहा नहीं। बस कोई भी होता है, कोई बात नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता है व्यवस्थित बोल दो, खत्म हो गई बात। तो जो साइंटिफिक प्रोसेस करनी थी आपको डेवलपमेंट करने के लिए वो नहीं रही। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट, प्रोसेस नहीं हुई। और मैंने पहले से ही आप सबको कहा है कि आपको विज्ञान को पकड़ना है, सिद्धांतों को पकड़ना है, कुदरती कानून को पकड़ना है, न व्यक्ति को पकड़ना है, न क्रियाकांड को पकड़ना है। विज्ञान ही कुदरत का कानून को समझना वही हमारे लिए सर्वोपरि है, छह तत्वों को समझना वही हमारे लिए सर्वोपरि है, और कोई चीज सर्वोपरि हमारे लिए नहीं हो सकती है पुरुषार्थ के रूप में, उदय के रूप में जो भी है, मैं उदय की बात नहीं करूंगा, मगर पुरुषार्थ के रूप में यही बात हमको समझना है। हम हर अवस्था को कुदरती रचना है फिर भी क्यों नहीं देख सकते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा।
जब कुदरती रचना है तो कुदरती रचना क्यों नहीं समझते हैं? कुछ तो कमी है ना मेरे में। जब मेरे मन में विचार आया कि मेरे को अच्छा करना है या बुरा करना है, तुरंत मेरे को आया नहीं 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 ऐसे विचार मेरा नहीं होना चाहिए। अभी आपने पुरुषार्थ तो कर दिया और पुरुषार्थ वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, गलत नहीं है, मगर आपने आपने कितना बड़ा विज्ञान को ब्रेक कर दिया। आपने पहले एक्सेप्ट किया कि मन मेरा है, विचार मैंने किया, तभी आपने अफसोस किया, ये साइंस ब्रेक हो गया। जब आपने तीनों अवस्था को कुदरती रचना बोल दिया तो साइंस खड़ा हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो हमको साइंस समझना है या रिलेटिव सत्य को समझना है, यही तो पजल है। ये जो बोलते हैं कि भाई जो है हमको कुदरती रचना देखनी है, कुदरती कानून देखना है और कुदरत जो छह तत्व है वो देखना है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा मुझे जो जैसे दिखता है कि भी जो है जो कुछ भी अवस्था खड़ी हो रही है, पहले तो उसमें अवस्था के अंदर जाते थे लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है कि भी इसको खाली कुदरती रचना के रूप में देखें, लेकिन कुदरती रचना जो देखते हैं उस कुदरती रचना को जब देखते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक कुदरती रचना बनी, अवस्था जो भी बनी वो किसी पिछले कारण के वजह से बनी है, तो वो वही जो है उसके जो कुदरती रचना देखने के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ गई, जो बनी है पहले कुछ हुआ है उसकी वजह से बनी है, तो उसको अलग से कुदरती कानून उसके अंदर देखने का फिर कुछ रहता नहीं है मेरी जो समझ है। और फिर द अदर थिंग इज कि जो भी जो ग्रॉस अवस्था बनी है अभी, चाहे किसी तरह की भी अवस्था है, जो स्थूल सूक्ष्म या जो स्थूल सूक्ष्म समझ गया, कोई बात नहीं, तो जो भी अवस्था बनी है वो उसके पीछे अल्टीमेटली परमाणु काम कर रहे हैं, जो परमाणु थे शुद्ध परमाणु थे वो पिछली जो मेरा ज्ञान था के हिसाब से जो चार्जिंग हुई थी उसके हिसाब से अब वो एक अवस्था बन गई है, तो वो जो परमाणु का विज्ञान खाली उतना ही मुझे समझ में आता है, उसके बियॉन्ड जो फर्दर एनालिसिस करके कि मुझे एक एक उसको मुझे देखना है या इतना ही खाली दर्शन में रखना है। हाँ मतलब तो नहीं, एक एक देखने का मतलब क्या है? गिव मी एग्जांपल, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब जैसे कई दफा सत्संग, मतलब कई दफा जैसे सत्संग के अंदर बात होती है कि भी जो है ये स्थिति सहायक तत्व काम कर रहा है और गति तत्व काम कर रहा है, समय क्या है, आकाश तत्व, उसकी क्यूरियोसिटी तो नेचुरली होती है और उसकी मुझे डिटेल ठीक से समझ, अभी रिसेंटली सत्संग हुए भी थे, वो संडे का सत्संग था, वो मुझे अभी पोस्ट हुआ नहीं है, मुझे उसको सुनूंगा मैं दोबारा, लेकिन उसको समझने की एक क्यूरियोसिटी होती है लेकिन उसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुझे कि उसके अंदर इंडिविजुअल एक एक तत्व के अंदर जाना और उसको समझने की जरूरत है या खाली इतना ही जानना है कि भी जो है वो तत्व सब मिलके अब एक जो कॉज था उसके हिसाब से एक कुदरती रचना बन गई, एक अवस्था बन गई है एंड दैट्स इट, तो उसके अंदर वो कुदरती रचना देखने के अंदर वो कानून भी आ गया और तत्व भी आ गया, सभी कुछ आ गया उसके अंदर, तो इतना रखना है कि अलग अलग एनालिसिस करो। बताओ मैं आपको ये छह तत्व क्यों हमको समझना है? कोई भी अवस्था में छह तत्व क्यों समझना है? ताकि हमको लगे कि इसमें मेरा कोई स्पेशलिटी नहीं, क्या नहीं है? मेरी स्पेशलिटी नहीं है, ये सब कुदरत की स्पेशलिटी है, मैंने कॉज किया था, रिजल्ट के रूप में हर संजोग कुदरत ने दिया। वो तो जब मैंने किया है, ये मेरी मेहनत से हुआ है, मेरी बुद्धि से हुआ है, ये जो हमारे दिमाग में आता है मैंने प्राप्त किया है, मैंने खो दिया है, वो सब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। नहीं वो तो, लेकिन जो कुदरती रचना के रूप में देखते हैं कि जो कुदरती रचना है ये सब तत्व मिलके बनी है। नहीं, कुदरती रचना आप जब बोलते हैं, एक मिनट, जब आप कुदरती रचना बोलते हैं वो प्राइमरी ज्ञान है। क्या है प्राइमरी? वो साइंटिफिक ज्ञान नहीं है, वो साइंस का बेस है। बेस समझते हैं कि बच्चे को यहां से शुरू खिलाओ, स्टार्ट फ्रॉम हियर कुदरती रचना। फिर बोलता है कुदरती रचना कैसे काम करेंगी, तो बोला कुदरती कानून से काम करेगी। मैं कानून से अवस्था कैसे बनेगी, तो क्या छह तत्वों से बनेगी। सो दिस इज स्टेप टू अंडरस्टैंड द होल साइंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मगर सिंपल अगर कुछ समझ में नहीं आता है, स्टार्ट फ्रॉम जो भी होता है वो कुदरती रचना है। मैंने सत्संग में भी बहुत बार कहा है कि अभी आप कुदरती रचना को जितना हो सके इतना अवस्था को देखते रहो,
फिर आपको समय मिले एनालिस करने, तो कुदरती रचना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था है। क्या बनी है? कुदरती कानून से बनी है। तो फिर आगे जब कुदरती कानून समझ में आ जाता है तो फिर हमको आगे सोचना है कि कुदरती कानून जो है वो कानून कैसे काम करेगा। कानून तो कानून होता है, उसे तो अवस्था नहीं बनती है, तो कानून से जो अवस्था बनती है उसके लिए छह तत्वों की सहाय चाहिए। तो अवस्था तो छह तत्वों से बनी है और जो बनी है वो कुदरती कानून से बनी है, तो कानून और छह तत्वों दोनों मिला के अवस्था बनी है, इसका एक नाम है कुदरती रचना। ये जो कुदरती कानून और उससे बनी हुई अवस्था, इसको कहते हैं कुदरती रचना। तो सिंपल स्टार्ट फ्रॉम कुदरती रचना, देन सेकंड स्टेप इज कुदरती कानून, एंड द थर्ड स्टेप इज सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स। तो ये जो मतलब हमको तत्व जो अलग अलग देखने के हैं, खाली इसीलिए है कि भाई जो है वो परमाणु से बने हुए हैं और वो एक अवस्था का, मतलब आप जो बता रहे हैं कि जो कुदरती रचना शुरू में देखो और फिर जिसको मतलब समझ नहीं है उसको पहले, फिर वो उसका कानून बताओ, फिर उसको उसके पीछे परमाणु बताओ। लेकिन हम लोग जैसे साथ काफी साल से जुड़े हुए हैं तो हमने परमाणु की बात भी सुनी है, व्यवस्थित की बात भी सुनी है, थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग कर करके जो आपने कुदरती रचना की बात बताई, तो कुदरती रचना जब देखते हैं तो उसके हमारी उसके पीछे हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती ही है कि भी जो है ये जो कुदरती रचना बनी है वो व्यवस्थित के कारण बनी है और परमाणु की बनी हुई है, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग काफी काफी नहीं है क्या उसका? मतलब जो आप परमाणु बोलेंगे तो फिर एक ही तत्व आया, जड़ तत्व, बाकी के पांच तत्व कहां गए? नहीं, मैं जब मैं परमाणु बोल रहा हूँ तो परमाणु से मैं तत्व की बात, मैं वो मेरे बोलने में वो रह गया, लेकिन परमाणु से मैं मेरा मतलब है वो सभी तत्व की बात। इंडिविजुअल नहीं रहता है, इंडिविजुअल नहीं रहता, लेकिन खाली ऐसे रहता है कि भाई जो है परमाणु है, जो शुद्ध परमाणु, वो मिलके एक अवस्था बनी है। जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं फ्रॉम डस्ट एंड टू डस्ट, तो वो परमाणु से बने थे और ये अवस्था का रूप लेके अल्टीमेटली डस्ट में चले जाएंगे। वो परमाणु से, वो तत्वों से अवस्था बनी और वो तत्व के अंदर ही चली जाएगी, तो प्रकृति का जो था प्रकृति में चला जाएगा, तो उसमें वो मेरा जो था ही नहीं, वो सब प्रकृति का ही है। इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी है या उसको अलग अलग? आप कैसे भी करके देखो, हर बातों को आगे जानने का इंटरेस्ट तब होता है जब इसका अहंकार, उनकी बुद्धि जब आगे प्रश्न करेंगी तो उत्तर देने के लिए उनको आगे जानने की जरूरत पड़ेगी, फिर प्रश्न करेगी आगे जानने की जरूरत पड़ेगी, फिर प्रश्न करेंगी आगे जानने की जरूरत पड़ेगी, और जब अल्टीमेट समझ लिया तो फिर जानना ही नहीं है। वास्तव में वो कुदरती रचना है ही, मगर कुदरती रचना शब्द व्यवस्थित शक्ति की तरह रबर स्टैम्प नहीं बन जाए, इसीलिए ये विजन होना जरूरी है एज अ साइंटिस्ट। इट इज नॉट लाइक अ रेडीमेड वर्ड, कुछ भी होता है कुदरती रचना, कुछ भी होता है कुदरत, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो एवरीथिंग अबाउट द सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर, दे क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस, इट इज टू बी कॉल्ड ए कुदरती रचना। सो कुदरत एंड कुदरती कानून इज इक्वल टू कुदरती रचना। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जो मैंने आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई वो उतनी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, मगर अभी उसमें अपग्रेडेशन की बहुत स्कोप है। मतलब अपग्रेडेशन तो पूरा ही चाहिए, क्योंकि जो कुदरती रचना की जो समझ जो बोल रहे हैं उसको मतलब पूरा हर सिचुएशन के अंदर अभी अवस्था के अंदर ही रहता है, कुदरती रचना के रूप में देखता नहीं है उसको, तो वो देखने का भी पूरा बाकी है, ये समझ के रूप में है। इसीलिए मैं कहता हूँ, नहीं मैं आप सबको जब बताता हूँ कि कुदरती रचना देखो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जब जन्म से मौत तक पंच महाभूत और हवा पानी खुराक और सभी अवस्था जब कुदरती रचना है, तो इसको कुदरती रचना मैं नहीं देख पाता हूँ, क्या वो मेरी अज्ञानता नहीं है? अज्ञानता तो ही नहीं, जन्म से मौत तक और पांच इंद्रियों से जो भी अवस्था अनुभव में आती है उसमें कौन सी अवस्था कुदरती रचना नहीं है वो बताइए। नहीं है तो सभी कुछ कुदरती रचना, जब उसको एक एनालिसिस और है तो हम उसको देखने के लिए कहते हैं, तो मेरे तो पजल नहीं, पजल मतलब वो, क्योंकि वो अवस्था के अंदर अभी भी इन्वॉल्व रहता है, अवस्था में ही इन्वॉल्व रहता है। और वो कुदरती इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, आप मैं बताऊ आपको, ये आपने कहा कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप अवस्था की वैल्यू करेंगे अपने आप, यू आर कनेक्टेड विद द अवस्था।
वैल्यू है, अवस्था की वैल्यू है, राइट? दैट्स इट। और हम ये मानते हैं कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, दैट इज अवर टुडे एबिलिटी, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड ए रॉन्ग बिलीव। राइट, इट इज टोटली प्री डिसाइडेड पावर। आप डॉक्टर हैं, इट इज योर प्री डिसाइडेड पावर एंड इट्स वर्क ऑटोमेटिकली, बट बिकॉज ऑफ अवर ईगो, बिकॉज ऑफ अवर बुद्धि, हमको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरी एबिलिटी है, बट दैट इज टू बी कॉल्ड ए रॉन्ग बिलीव। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रकृति एंड इट इज गिवन बाय द नेचर एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। तो जब आप इसको कुदरती नजर देखोगे तो देयर इज नो पजल एट ऑल। आपकी जो भी अवस्था है वो कुदरती रचना है। मगर इसमें हम इन्वॉल्व क्यों होते हैं? लगता है ये मेरी बुद्धि है, ये तो मेरी स्पीच है, या तो मेरी एक्शन है, बट देन यू आर इन, तो इट्स ओनली रॉन्ग साइकोलॉजी एंड रॉन्ग इग्नोर, ये इग्नोरेंस हो गई, अज्ञान हो गया। तो यू मैकेनिकल यूज होना वो आपका उदय कर्म है, बट लाइव लाइव आपका प्रतिष्ठित आत्मा इन्वॉल्व हो गया, दैट इज द मिस्टेक। डिस्चार्ज अंतस्करण तो इन्वॉल्व होगा ही, मगर लाइव अंतस्करण जिसको हम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहते वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके अंदर शुद्ध ज्ञान दर्शन होना चाहिए। मैकेनिकल वाला प्रतिष्ठित आत्मा तो इन्वॉल्व होगा ही, तभी तो काम बनेगा। तो ये ऑटो मोड प्रोसेस है, वो ही तो हमको कुदरती रचना के रूप में आज समझेंगे, तो फिर राग द्वेष होने की या तो कर्ता भाव मालिक के भाव होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। राइट, और यही तो पुरुषार्थ करना है, यही तो पुरुषार्थ करना है। सी वी हैव ऑल काइंड ऑफ परमानेंट पावर, वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पावर थ्रू द माइंड स्पीच एंड एक्शन। एम आई राइट और रॉन्ग? सो व्हाई यू गिव द वैल्यू इन योर पुरुषार्थ पार्ट? व्हाई? अगर आपने कुदरत इतना बोल दिया, खत्म हो गई बात। आपकी प्रकृति कोई भी फील्ड में कितनी पावरफुल क्यों ना है, या तो कमजोर भी क्यों ना है, दोनों कुदरती रचना है। एंड यू हैव अ इनफाइनाइट ऑल काइंड ऑफ पावर, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो हम क्यों उसको एंजॉय नहीं करें और कुदरती रचना के अंदर इन्वॉल्व होकर हम एंजॉय करें? वाय? इट इज टू बी कॉल्ड इग्नोरेंस। यही तो अज्ञानता है, और यही तो इसको ही तो कहते रिलेटिव सत्य की माया जाल। और माया जाल से बाहर निकलना आम लोगों के बस की बात नहीं है। एक या दूसरे एंगल से वो फंस जाते हैं, और इसीलिए हमने अध्यात्म विज्ञान में टॉप टू बॉटम जो फॉर्मेट था वो कंप्लीटली कहा, फॉर्मेट इज कनेक्टेड विद द रिलीजन, दैट्स इट, इट इज नॉट कंसर्न विद द साइंस, व्हाट एवर इट इज। अगर आप फॉर्मेट में जाओगे आप कभी विज्ञान को नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए हमने सेपरेट कर दिया कि फॉर्मेट इज अ उदय कर्म, वॉट एवर इट इज, बट इट इज नॉट अवर पुरुषार्थ, एंड वी हैव नो कंसर्न इन अ टर्म्स ऑफ पुरुषार्थ, वी हैव नो कंसर्न इन अ टर्म्स ऑफ उदय कर्म, इट इज ओके, इट इज कुदरती रचना। पुरुषार्थ में क्या है यही हमको सनातन सत्य समझना है, और आज हमको इंपॉर्टेंट देना है किसके ऊपर? दर्शन के ऊपर। कौन सा दर्शन? क्षेत्रत्व, कुदरती कानून और कुदरती रचना, इसमें ही इंपॉर्टेंट देना है, और कोई बात में पुरुषार्थ के रूप में इंपॉर्टेंट नहीं देना है। बाकी जो कुछ भी है मन वचन काया उनकी अवस्था, इसको एक ही फॉर्मेट में देखना है, कुदरती रचना, नो डिटेलिंग, एंड इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू, कोई जरूरत नहीं है। जो जो अवस्था अपने आप ही खत्म होती है, इनकी वैल्यू करने की एज अ थिंकर पीपल क्या जरूरत है?
जो अवस्था अपने आप खत्म होती है, am I right or wrong? Right. तो इसको वैल्यू क्यों करेंगे? जब हमारे पास परमानेंट पावर है तो रिलेटिव कोई भी पावर की वैल्यू क्यों करे? उदय कर्म के अधीन करेक्ट है, मगर वैल्यू क्यों करेंगे? इन अवर विजन व्हाई? इस पे थोड़ा सा डिस्कशन चाहिए, वो बाद में नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। ओके ओके ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय शर्मा, वेयर इज यू आर? मेरे को दिखता नहीं अभी। हाँ अभी दिखता। ओके विकास वन भाई, यस, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे कि भाव पे बात हो रही है, तो हर अवस्था में जैसे कहीं घूमने फिरने गए या शादी ब्याह में, तो मोह का वातावरण रहता है, तो उसमें जागृति तो रहती है कि मैं शुद्धात्मा, बाकी सब कुदरती रचना है। तो उस अवस्था का जो इंटेंशन होता है, और एक विपरीत परिस्थिति आती है, तो उसमें भी ये ज्ञान का अप्लाई जब होता है कि मैं शुद्धात्मा, बाकी सब कुदरती रचना है, तो इसका इंटेंशन और उसका इंटेंशन में क्या फर्क होता है, और इसके परिणाम क्या आएंगे? कि कौन से दोनों इंटेंशन, प्लीज रिपीट अगेन। जैसे कि रिलेटिव, जैसे कहीं घूमने फिरने गए, मोह का वातावरण रहता है, शादी ब्याह में गए, तो वहाँ वहाँ पे भी जागृति यही रहती है कि मैं शुद्धात्मा, बाकी सब कुदरती रचना है। ओके, फिर दूसरा? और एक विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे कोई अपमान कर दिया, तो उसमें भी ये जागृति रहती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है। तो इंटेंशन तो दोनों का अलग अलग हमको ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि वहां पे एक फॉर्मेलिटी, बस जहाँ मोह का वातावरण था वहां तो फॉर्मेलिटी था कि मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन यहाँ हमको जागृति रखनी पड़ती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसमें? वो तो सिंपल बात है ना, अगर आपने कोई भी अवस्था को जब दुख के रूप में पहचाना है तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा जी। और सुख के रूप में जब अवस्था मिलती है उस समय हमारा मन प्रसन्न रहता है, तो इसीलिए उस समय तो हमको और जागृति चाहिए। दुख में तो जागृति रहना इजी हो जाता है क्योंकि हम इससे अवेयर रहते हैं और सेपरेट रहने की कोशिश करते हैं जी, और दुख में तो जुड़ जाते हैं। तो जागृति तो सुख में रखने की होती है, दुख में नहीं। दुख में तो जागृति हाजिर हो जाती है, नहीं तो फिर क्या होगा, ये दुख मेरे को हो गया, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। जब इनरोल हो जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब सेपरेट होऊंगा तो वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा, उनका टाइम लेकर आए हैं। तो ये जो मैंने ज्ञान अप्लाई दोनों अवस्थाओं में मैंने किया है, तो इसका परिणाम क्या आएगा? इसे इंटेंशन अलग अलग है तो कोई बात नहीं, परिणाम तो एक ही आएगा। आप दोनों अवस्थाओं को बाईपास करते हैं, मींस नो राग एंड नो द्वेष, यही तो वितरागता है। अच्छा, और जैसा कि अभी आपने कहा कि मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी सभी में क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होते हैं, तो जैसे कि जानवरों में भी देखा, जैसे कि इसमें हम ये समझ लें कि ये डिस्चार्ज में तो क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं, लेकिन चार्ज में नहीं होते हैं। तो चार्ज के क्रोध, मान, माया, लोभ की तो वैल्यू होती है, डिस्चार्ज की तो कोई वैल्यू नहीं होगी। जी जी, यही कंफ्यूजन था। वो तो अगर अगर कोई मशीन ने 50 व्यक्तियों को काट दिया तो क्या उसको कुछ लगेगा? वो तो मैकेनिकल पावर है। ये बॉडी के, मनुष्य के अंदर जो पावर है उसके साथ लाइवनेस होने के नाते वो चार्ज होता है। अगर उनमें लाइवनेस नहीं है तो उनके लिए भी डिस्चार्ज है। अगर राम ने लाखों लोगों को मारा तो भी मोक्ष में गए, तो चार्ज नहीं हुआ। अर्जुन ने भी लाखों लोगों को मारा तो भी मोक्ष में गए, चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैकेनिकल पार्ट। हम जुड़ गए लाइव तो फिर पाप बनेंगे। जी जी, बात तो एक ही होती है ना, प्रिंसिपल तो एक ही होता है। जब मैकेनिकल पार्ट को मैकेनिकल देखोगे, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैकेनिकल पार्ट को लाइव देखोगे, लाइव का मतलब मैंने किया, तब तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। जी ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस, बीजा कोई नहीं हो तो प्रश्न पूछवा दूंगा। तुम्हें हेलो हेलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको भी बहुत नमस्कार करता हूं। वीडियो पहले मैं देखूं।
हम बोल रहे थे कि आत्मा तो निरंतर आत्मा में ही रहता है और जो अहंकार है उसका वही कर्माकार बार बार हो जाता है. ओके तो आत्मा ध्यास नहीं हो पाते, मतलब चुक जाता है, पेंडिंग रह जाता है. तो फिर तो हम तो चाहते हैं निरंतर आत्मा में रहे, तो उस समय मतलब कोई व्यवहार आएगा आ गया है तो उसमें तन्मयकार हो जाता है, उसके तन्मयकार आत्माध्यास बड़े आत्मनिरंतर आत्मा में रहे ऐसा कैसे हो सकता है? तन्मयकार क्यों रहते हैं? क्योंकि आप इसको कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में नहीं देख सकते हैं. Am I right or wrong? सही. और वही देखना है पुरुषार्थ करने के लिए, और तो कुछ कहता नहीं हूं मैं. हमारा तो भाव 100% है कि हम आत्मा में ही रहना चाहते हैं, लेकिन भी कर्माकार हो जाता है. आत्मा में रहने के लिए अवस्था को अगर कुदरती रचना के रूप में नहीं देखेंगे तो आपके लिए आत्मा में रहना संभव नहीं है. हर अवस्था को कुदरती रचना में ही देखना है, क्योंकि कुदरती रचना देखेंगे तभी तो कहेंगे कि जब मेरा कोई पार्ट ही नहीं है तो मेरा मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो और कोई ऑप्शन होगा फिर? जब मन वचन का है कि हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखा तो फिर आप कौन है? तो आप शुद्ध आत्मा है. शुद्ध आत्मा. मगर जब कुदरती रचना नहीं देखोगे तो आप इन्वॉल्व होंगे ही, ये आपकी अज्ञानता है. इसको कैसे बढ़ाया जाए? मतलब हम चाहते हैं कि निरंतर यही तो पुरुषार्थ करना है, दृष्टि से पुरुषार्थ करना है. यहाँ कोई क्रिया तो करना नहीं है. अच्छा. दृष्टि जैसे आप कर्ता भाव भी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे कुदरती रचना भी दृष्टि से ही देखना है. अच्छा. कि नहीं? हाँ, बात सही है. फिर भी अज्ञान भी दृष्टि है, ज्ञान भी दृष्टि है और विज्ञान भी दृष्टि है. तीनों में से एक उपयोग करना है. अगर आपको मुक्त रहना है तो विज्ञान की दृष्टि उपयोग करो, और आपको रिलेटिव सत्य में जाना है तो ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न. 100% हम तो चाहते हैं कि कुदरती रचना में मतलब व्यवस्थित नहीं रहना. विज्ञान दृष्टि है, वो विज्ञान दृष्टि है. सही बात है. और परमाणु, शुद्ध परमाणु जो है, और एक प्रश्न कर लू, शुद्ध परमाणु जो है वो किसका है? जड़ का, जड़ तत्व है, जड़ तत्व है. और हम जो बातें समझते हैं वो किसका है पार्ट है? वो आत्मा का पार्ट है क्या पुद्गल की पार्ट है? वो आत्मा का भी पार्ट नहीं है, पुद्गल का भी पार्ट नहीं है, अभी प्रतिष्ठित आत्मा का पार्ट है. जो समझता है वो प्रतिष्ठित आत्मा के पार्ट है. हाँ, जो भी समझते हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा का पार्ट है, और इसी में ही पुरुषार्थ है, उसी में ही डेवलपमेंट है, इसी में ही अज्ञान है, इसी में ही अनुभव है. ना आत्मा को अनुभव करना है, ना प्रकृति को अनुभव करना है. प्रकृति विनाशी है इसलिए अनुभव नहीं है. आत्मा पर, आत्मा के पास अनंत ज्ञान है तो इसलिए अनुभव की जरूरत नहीं है. नाउ यू अंडरस्टैंड? अनुभव को जरूरत है. किसको है? मतलब अहंकार को. मगर वो आत्मा नहीं है ना वो तो अभी तो और शरीर भी नहीं है ना. राइट बेली मिला है, शरीर भी नहीं है ना. नहीं, तो वही तो मैं प्रतिष्ठित आत्मा कहता हूँ, उसी का तो नाम. आप कैसे भी करके आओगे तो आपको प्रतिष्ठित आत्मा ही समझना पड़ेगा. No option at all. कैसे भी करके घुमा के फिर के यहाँ ही आना पड़ेगा आपको प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर. एनी एंगल. समझ में आया? ठीक. और मुझे शक्ति दीजिए कि आत्मा में निरंतर रहे. आप मुझे शक्ति दीजिए. यही जितना विज्ञान समझते रहोगे आपकी, आपका ज्ञान दर्शन शुद्ध और स्थिर रहेगा और आपका विकास जल्दी से. और यही चाहते कि आत्मा में निरंतर है, यही मेरा सब कुछ है, यही मैं चाहती हूँ. बस विज्ञान मेरा. बस आपकी भावना सफल हो, यही मेरी प्रार्थना. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कृष्णा कौन से? जय सच्चिदानंद स्वामी जी. हिमांशु बोलू छू. हेलो कृष्ण, हम कृष्णा लिखियो छे मोबाइल में. प्रश्न मारो छे.
कोई कोई बात नहीं, यस प्लीज, जय सच्चिदानंद बोलिए स्वामी जी। आप हिंदी दर्शन सुधी केवल दर्शन सुधी ये आप पुरुषार्थ है। हिंदी हिंदी आता है? सॉरी, अपना जो पुरुषार्थ है वो केवल दर्शन तक अपना रहेगा। ओके, तो अभी ये लाइफ अपना है, तो ये लाइफ के अंदर मेरा जो गैप है, तो मुझे वो दिशा में जो मेरी मुझे विजन क्लैरिटी करना है, तो वो तो कंटिन्यूअस वो दिशा में मुझे उसको सहयोग देना पड़ेगा ना लाइफ टाइम। कुदरती रचना है या अल्टीमेट जो आपको सहयोग क्या करना है बताइए मेरे को। अभी जैसे उस दिशा विजन के लिए कुछ कमी है, जैसे अपने को जो उसमें विजन करने में जो अपना क्वेश्चन होता है बुद्धि में जो क्वेश्चन आता है राइट, तो उसको सहयोग करके वो दिशा में उसको क्लियर विजन क्लियर करना पड़ेगा ना। क्या नहीं नहीं क्या करना पड़ेगा मतलब? अपने को जो अपना जो विजन है उसको क्लियर करने के लिए उपयोग करके अनुभव करके हमारा विजन परिपक्व करना है, इसके अलावा क्या करना है? पर जो अज्ञान है, अज्ञान जो बीच में आ रहा है, तो वो जो अज्ञान है अज्ञान जो है उसकी वजह से अपने को थिंकिंग करके जो विजन अपना जो है जो अपने को रुकावट करता है अज्ञान जी, तो क्लियर करके विजन खुला करना पड़ेगा ना। हाँ वही तो मैं कहता हूं, जब आपकी दृष्टि में विज्ञान का उपयोग होगा अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, दोनों तो साथ में नहीं रहेगा, अज्ञान डिस्चार्ज के रूप में रहेगा और विज्ञान पुरुषार्थ के रूप में रहेगा। और जब विज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान डिस्चार्ज भी रहेगा चार्ज भी रहेगा राइट। तो ये लाइफ मेरा जो लाइफ है करंट लाइफ में मेरा तो करंट लाइफ है वो मुझे वो पूरा उसको ही मतलब वो दिशा में विजन को आगे बढ़ाना है एंड तक। वही 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 मेरा अल्टीमेट ये लाइफ का एम होना चाहिए, जितना मैं नियर जा सकूं केवल दर्शन के। यही तो करना है, यही तो मैंने कहा है ना, जितना भी हो सके इतना आप मन वचन काया और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को आप कितना कुदरती रचना कुदरती कानून और छह तत्वों से आप देख सकते हैं समझ सकते हैं, दैट इज योर डेवलपमेंट एंड दैट इज योर पुरुषार्थ, बाकी तो सब उदय कर्म है। राइट, ओके, ओके स्वामी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी लास्ट में और कोई है? एक थे स्वामी जी। हाँ यस, लास्ट अभी प्रवीण चंद। यस, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हवे आपणे अज्ञान जी छे ज्ञान अज्ञान एनी डेफिनेशन आपणे शुं आपी शकीए? ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। हाँ, ज्ञान भी रिलेटिव सत्य है अज्ञान भी रिलेटिव सत्य है, वो डेफिनेशन होता है। कोई भी रिलेटिव सत्य को ज्ञान अज्ञान बोल सकते हैं, विज्ञान नहीं बोल सकते। विज्ञान विज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य, रियल सत्य। विज्ञान मतलब सनातन सत्य, सनातन सत्य, रियल सत्य। तो प्रतिष्ठित आत्मानी आपणे व्याख्या શું આપી શકીએ ડેફિનેશન? પ્રતિષ્ઠિત આત્માની ડેફિનેશન શું આપી શકીએ આપણે? મૂળ આત્માની નહીં, પણ આ એસા પ્રશ્ન ક્યું કરના પડતા હૈ, યે સબ બાતેં નહીં બતાઈ ગઈ હજારો બાર? हजारों बार बताई गई है, मैं तो डेफिनेशन डेफिनेशन पूछ रहा हूँ आपको। और मैंने जितना भी प्रश्न का उत्तर दिया है वो डेफिनेशन के रूप में सिद्धांत के रूप में ही दिया है, कभी श्रद्धा के रूप में कभी बोला नहीं। आपने दिया है। मैंने जब भी कहा है तब मैंने सनातन सत्य कहा है, सिद्धांत कहा है, श्रद्धा की बात नहीं कही है। नहीं कही। तो फिर आप वही बात पूछ रहे हैं। फिर मैंने प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में बताया है, नहीं बताया है? बताया जिसका बताया। एक ही रोल है पुरुषार्थ करने का। हाँ बराबर, वो ना आत्मा है न प्रकृति है। डेफिनेशन वो तो समझ गया कि प्रतिष्ठित आत्मा का डेवलपमेंट करने का भी है और डिस्चार्ज में भी आएगा, प्रतिष्ठित आत्मा तो दोनों में रहेगा, चार्ज में रहेगा और डिस्चार्ज में भी रहेगा ना स्वामी जी। हाँ मगर आपको आपको क्या जानना है वो बताइए। बस खाली के डेफिनेशन पूछने का था बस, और कुछ नहीं।
वो तो डेफिनेशन तो बता दिया ना, वो पहले भी बताया। हो गया, क्लियर हो गया। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस अभी प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है आपका स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।